चलिए बिहार स्पेशल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल, बीपीएससी स्पेशल, बीपीएससी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में मैप के माध्यम से भी बताऊंगा। फिर मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करूंगा, उस चार्ट के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ बहती है और कहाँ जाके अपना जल संग्रहित करती है। तो सबसे पहले इस मैप को आप ध्यान से देखिए। देखिए, एक जो है बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है, जो बीचों बीच से एकदम बीचों बीच से होकर एक नदी गुजरती है, उसका नाम क्या है? गंगा। याद रखिएगा, इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इस गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में जो है वहाँ से निकलती है गंगा नदी, जो कई राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। और ये जो गंगा नदी है बिहार को 2 भागों में बांट देती है। क्या करती है? बिहार को 2 भागों में बांट देती है। क्या करती है? बिहार को 2 भागों में बांट देती है। बिहार को 2 भागों में बांट देती है। पूछता है कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? तो कितनी है? 445 किलोमीटर, मतलब 445 किलोमीटर का जल संग्रहण क्षेत्र है गंगा नदी का। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में, अब देखिए, बिहार में 2 तरह की नदियां पाई जाती है। एक होती है प्रायद्वीपीय नदियां और एक है क्या है? हिमालयन नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हो जाएंगी? जो बरसात के मौसम में जहां पे जल संग्रहित होता है और वो जल अपना संग्रहित करती हैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। और सदाबहार नदियां, सदा नीरा नदियां कौन सी हो जाएंगी? पहाड़ी नदियां। जो कौन सी है? उत्तर हिमालय की नदियां, जो शिवालिक वाला हिस्सा बिहार में टच करता है, जो शिवालिक वाला हिस्सा बिहार को टच करता है और नेपाल का जो बॉर्डर टच करता है किसको? बिहार को। वहाँ से हिमालयन नदियाँ निकल के आती हैं जिसमें सदाबहार पानी रहता है, 12 मास पानी रहता है। तो उससे क्या होता है, उत्तर बिहार जो जाना जाता है बाढ़ के लिए जाना जाता है। जब बरसात का मौसम आता है तो उत्तर बिहार किस लिए जाना जाता है? बाढ़ के लिए। और दक्षिण बिहार किस लिए जाना जाता है? सूखे के लिए जाना जाता है। तो आइए हम नदियों के बारे में जानते हैं कि कौन सी नदी कहाँ बहती है और कहाँ अपना जल संग्रहित करती है, उनके बारे में आपको हम इसके बारे में डीपली बताते हैं। देखिए, एक जो नदी है घाघरा नदी, ये है जो है घाघरा नदी। ये घाघरा नदी कहाँ से? यूपी से बहती हुई घाघरा नदी यूपी से बहती हुई जो आ रही है, सारण में आके गंगा से मिल जाती है। ये जो घाघरा नदी आप देख रहे हैं यूपी से और बिहार का सीमा साझा करती है। यूपी को और बिहार से जोड़ने वाली अगर कोई नदी बोले, सीमा साझा करने वाली नदी बोले, तो कौन सी नदी है? घाघरा नदी है। यूपी और बिहार के मुहाना बनाती है। यूपी और बिहार का मुहाना बनाने वाली नदी कौन सी है? घाघरा नदी। इसको यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। 63 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ऐसी कौन सी नदी है जो क्या करती है? यूपी और बिहार के बीच क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। तो कौन सी नदी है? घाघरा नदी। और इसको यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है और बिहार में इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये सारण में आके कहाँ मिल जाती है? सारण में आके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे आके मिल जाती है? सारण में आने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। एक और नदी है जो सीमा का निर्माण करती है, जो सीमा साझा करती है, दोनों राज्यों के बीच सीमा का निर्माण करती है, तो वो कौन सी नदी है? वो दूसरी नदी है गंडक नदी। कौन सी है? गंडक। क्या नाम है उसका? गंडक नदी। जो क्या करती है? ये भी सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है। ये 2 नदियां ऐसी हैं जो यूपी और बिहार के बॉर्डर को शेयर करती हैं और बॉर्डर को एक दूसरे से सीमा विभाजित कराती हैं। कौन है? एक है कौन सी नदी? सरयू नदी या घाघरा नदी। और दूसरी कौन सी है? गंडक नदी। एक और नदी है जो उत्तर से ही आती है, जिसको क्या नाम है, पश्चिमी चंपारण से निकलती हुई आती है, उसको क्या कहते हैं? बूढ़ी गंडक। क्या नाम है उसका? बूढ़ी गंडक। उत्तर बिहार की ये सब नदियां हैं जो क्या है, पश्चिमी चंपारण से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? पश्चिमी चंपारण से निकलते हुए आ रही है बूढ़ी गंडक। और पटना में पहलेजा घाट के बाद कहाँ से? गंगा में आके मिल जाती है। क्या होती है? पटना में पहलेजा घाट के बाद कहाँ से आती है? पहलेजा घाट के बाद आके किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। पश्चिमी चंपारण से बूढ़ी गंडक निकल रही है और पहलेजा घाट पे आके गंगा में मिल जाती है। एक और नदी है जिसका नाम है बागमती। वो भी उत्तर क्या नाम है, नेपाल से आती है ये नदी बागमती। और पटना में मेरे कहने का मतलब है कि ये भी आके गंगा में अपना जल संग्रहित कर देती है।
उत्तर भारत की नदी सॉरी उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियां दोनों आके अपना जल कहां संग्रहित करती हैं? गंगा में करती हैं, क्योंकि बीच में ढालनुमा संरचना है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूं, जैसे मान लीजिए ये जो है इधर से गड्ढा है, इधर से भी गड्ढा है, ठीक, इधर से भी पानी नीचे ही गिरता है, इधर से भी पानी नीचे ही गिरता है, तो गड्ढा नुमा संरचना है, बीच में ढाल है। जैसे होता है ना कि ऐसे ऐसे एक ढाल है, दोनों तरफ से ढाल है और दोनों का ढाल गंगा नदी की ओर है, ऊपर से एक ढाल नीचे आ रहा है, इधर से भी एक ढाल आ रहा है, इधर से भी एक ढाल आ रहा है, तो दोनों ढाल नीचे की ओर आ रहा है और वो गंगा नदी बीच में ढाल में बहती है, तो उसी जगह उसी लिए क्या होती है उत्तर भारत की उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियां ही दोनों आके किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। एक और नदी है कमला नदी, वो भी आके गंगा में मिल जाती है। एक और नदी है कोसी नदी, वो भी आके गंगा में मिल जाती है। एक और नदी है क्या है महानंदा नदी, वो भी आके कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। ये सभी नदियां को आपको मैं चार्ट वाइज भी आपको बताऊंगा कि कौन सी नदी किस जगह आके जल संग्रहित करती है, किस नदी पे कौन सी बैराज परियोजना चल रही है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको मैप के माध्यम से पता होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा जिला कहाँ नहीं है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब एक नीचे से एक और नदी निकलती है जो क्या नाम है सीमा, यूपी से सीमा साझा करती हुई नदी है, एक और नदी है उसका नाम क्या है कर्मनाशा नदी। इसको यूपी, ये भी यूपी में थोड़ा देर क्या करती है सीमा का निर्धारण करती है बिहार का, कर्मनाशा नदी। ये बक्सर में आकर गंगा से मिल जाती है, कहाँ पे बक्सर में आके गंगा से मिल जाती है। बक्सर बिहार का एक जिला है, टोटल बिहार में 38 जिले हैं, 100 बार मैं बता चुका हूँ फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। कर्मनाशा नदी क्या करती है, ये सीमा का निर्धारण करती है, सीमा से निर्धारण करती है, यूपी और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण ये भी करती है कर्मनाशा नदी। बक्सर में आके गंगा में मिल जाती है। एक मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है सोन नदी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है सोन नदी, जो पटना में जाके किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो क्या पूछता है कि जो हमारा पटना है किन किन नदियों के संगम पे बसा हुआ है, हमारा जो पटना शहर है किन किन नदियों के संगम पे बसा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी। ये देखिए इधर से क्या आ रही है, गंडक आ रही है, ठीक, इधर से क्या आ रही है, सोन आ रही है और बीच में गंगा है। गंगा गंडक और सोन नदियों के संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ है? बिहार की राजधानी पटना बसी हुई है, याद रखिएगा, गंगा गंडक और सोन नदी के संगम पे हमारी बिहार की राजधानी पटना बसा हुआ है, ठीक। एक और नदी है नीचे, देखिए एमपी से ही निकल के आ रही है। बीपीएससी में क्वेश्चन बना था कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और आके बिहार में अपना जल संग्रहित करती है, तो एक सोन नदी है, एक है पुनपुन नदी। ये दोनों नदियां कहाँ आके मिलती हैं? गंगा में मिलती हैं, बिहार में अपना जल संग्रहित करती हैं, और ये दोनों नदियां बेसिकली निकलती कहाँ से, तो एमपी से निकलती हैं, और ये दानापुर में आके मिल जाती है, किससे? पटना से, फतुहा। अब देखिए और नदी है पुनपुन जो फतुहा में जाके गंगा से मिल जाती है। एक और झारखंड दक्षिण से ही निकल के नदी आती है, उसके नाम फल्गु नदी। फल्गु नदी है निरंजना नदी कहते हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी नदी के किनारे, ठीक। अगली है कीउल नदी, अजय नदी। ये सब क्या है, कुछ नदियां हैं जो पूछने जाती हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सभी नदियों के बारे में बताते हुए चलो। तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक। एक नदी है क्या है, सरयू नदी, जो पश्चिम से आती है, यूपी और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है, घाघरा नदी कहते हैं। एक है गंडक नदी, पश्चिमी चंपारण से निकलती है, ये भी सीमा का निर्धारण करती है। एक है बूढ़ी गंडक जो उत्तर से आती है, पश्चिमी चंपारण से। एक है बागमती, उत्तर में क्या है, कमला, कोसी, महानंदा। ये महानंदा बिहार के सबसे पूर्वी जिले की नदी है, क्या है, सबसे पूरब में बहने वाली नदी है। पूछता है क्वेश्चन कि बिहार के सबसे पूरब में बहने वाली नदी कौन सी है, तो क्या है, महानंदा है। बिहार में सबसे पूरब में बहने वाली नदी कौन सी है, महानंदा है। तो और फिर यूपी से और बिहार में मैंने बताया आपको कि यूपी से और बिहार से जो क्या है सीमा का निर्धारण करने वाली कौन नदी है, दक्षिण में उसको कहते हैं कर्मनाशा नदी। अब पूछता है क्वेश्चन कि पटना हमारी जो राजधानी है बिहार की, वो किन किन नदियों के संगम पे है, गंगा सोन और गंडक नदी के संगम पे है। पुनपुन नदी एमपी से निकल के आती है, सोन नदी एमपी से निकल के आती है, ये दोनों नदियाँ एमपी से अमरकंटक की पहाड़ी के पास से निकल के आती है, दोनों नहीं केवल ये जो है हमारी सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आती है और ये बिहार में जल संग्रहित करती है। ये भी पुनपुन नदी भी अमरकंटक से निकल के आती है, ये भी बिहार में जल संग्रहित करती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में क्या है, झारखंड है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसको हम यहीं पे सर थोड़ा स्टॉप कर दीजिए वीडियोस को। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चार्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन नहरों नदियों के बारे में, चलिए छोटा सा मैप बना लेते हैं एक बार।
समझने के लिए आपके लिए काफी है। देखिए क्या है, गंगा नदी, गंगा नदी मैंने जैसा कि आपको बताया क्योंकि बिहार के बीचों बीच एकदम मध्य से होकर गुजरती है, एकदम बीचों बीच एकदम मध्य से होकर गुजरती है। कि गंगा नदी निकलती कहाँ थे, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल संग्रहण करती है। बिहार में कितने किलोमीटर जल संग्रहण क्षेत्र है, 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर इसका जल संग्रह क्षेत्र कहाँ पे है, बिहार में, किसका, गंगा नदी का। गंगा नदी की टोटल लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक, दूसरा गंडक नदी मध्य हिमालय के नेपाल श्रेणी से निकलती है, पालेजा घाट पे आके गंगा में मिल जाती है। ये जो है पालेजा घाट, यहीं पे आके गंगा में मिल जाती है। गंगा, गंडक नदी मध्य हिमालय के नेपालियों के पहाड़ियों से निकलती है और पालेजा घाट में आके गंगा में मिल जाती है। घाघरा या सरयू नदी, जिसे घाघरा या सरयू नदी कहते हैं, नामदफा श्रेणी से निकलती है और छपरा में गंगा में आके मिल जाती है, छपरा में गंगा में आके मिल जाती है। एक है बूढ़ी गंडक, ये बूढ़ी गंडक भी यहाँ से निकलती है और आके गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बूढ़ी गंडक कहाँ पर, मुंगेर में, यहाँ जो मुंगेर वाला इलाका है, मुंगेर वाले, मुंगेर गंगा में आके मिल जाती है, मुंगेर में गंगा में आके मिल जाती है। कोसी नदी, कोसी नदी इसे सप्त कोसी की पहाड़ी से निकलती है, सप्त कोसी की पहाड़ी कहाँ पे है, नेपाल में, ये पूर्णिया में आके मुहाना बनाती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि मालूम है जब इसमें बाढ़ आता है ना, जब वर्षा का समय आता है तो इसमें इतना पानी भर जाता है कि ये नदी अपने मार्ग प्रचलित के लिए, मार्ग बदलने के लिए प्रचलित है। तो क्या कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। कहाँ से निकलती है, सप्त कोसकी नेपाल से निकलती है। कहाँ पर गंगा में आके मिलती है, पूर्णिया में आके गंगा में मिलती है। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। महानंदा, ये महानंदा है, महानदी नहीं है, महानंदा महाभारत श्रेणी से निकलती है, जो कहाँ, कटिहार गंगा में आके कहाँ से मिल जाती है, इसमें मिल जाती है, किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा महाभारत श्रेणी से निकलती है, कटिहार में आके गंगा से मिल जाती है। और सोन नदी अमनकंटक की पहाड़ी से निकलती है और आके कहाँ मिल जाती है, दानापुर पटना में आके गंगा से मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गंगा प्लस सोन, सोन और प्लस गंडक, गंडक, इन तीन नदियों के संगम पे, गंगा गंडक और सोन, तीन नदियों के संगम पे क्या, कौन सी, कौन सा शहर हम लोग का बसा हुआ है, पटना शहर बसा हुआ है। याद रखिए, गंगा गंडक और सोन नदियों के संगम पे हमारा पटना शहर बसा हुआ है। देखिए सोन नदी कहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है और जल से कहाँ आके संग्रहित करती है, गंगा में करती है। कहाँ पे, दानापुर पटना में आके गंगा से मिल जाती है। कर्मनाशा नदी अपवित्र नदी कहा जाता है, विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, चौसा में आके गंगा से मिल जाती है। कहा जाता है कि कर्मनाशा नदी में नहाने से कर्मों का नाश हो जाता है, जितने भी अच्छे कर्म किए रहेंगे उन सभी का नाश हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, कर्मों का नाश करने वाली नदी को क्या कहते हैं, कर्मनाशा नदी कहते हैं, सबसे अपवित्र नदी कहते हैं। अगर पूछेगा कि शोक किसे कहते हैं तो किसे कहेंगे, कोसी को। अगर पूछे सबसे अपवित्र नदी किसे कहेंगे तो किसी को कहेंगे, कर्मनाशा नदी को कहेंगे। ये क्या करती है, मालूम है ये दक्षिण में बहने वाली नदी है, ये क्या करती है, यूपी और बिहार, यूपी और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली भी नदी है। यूपी तथा बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली भी नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है, कर्मनाशा नदी है। कहाँ से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, चौसा में आके गंगा से मिल जाती है। एक है पुनपुन नदी, ये पुनपुन नदी भी कहाँ से, एमपी से निकलती है, जो एमपी है आपका, एमपी से निकलती है पुनपुन नदी और यहाँ पे आके कहाँ पे आके मिलती है, ये देखिए पुनपुन नदी पठारी भाग से एमपी से निकलती है, फतुआ में, ये जो फतुआ जगह देख रहे हैं, फतुआ में आके गंगा से मिल जाती है, कौन सी नदी, पुनपुन नदी। अभी एक चीज कि एमपी से कौन नदी निकल के आ रही है, एमपी से ही, अमरकंटक की पहाड़ी से, उस नदी का नाम है क्या, सोन नदी, सोन नदी। एमपी की पहाड़ी से एक और नदी निकल के आ रही है जिसका नाम क्या है, सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आती है। अगली एक नदी है फल्गु नदी, जो छोटा नागपुर पठार से आके निकलती है और गंगा के टाल क्षेत्र में, ढाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आके किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, कौन, फल्गु नदी। अब कुछ नहरें भी हैं बिहार में, कुछ नहरी परियोजनाएं भी हैं, जो क्या है, जो नहर परियोजनाएं सिंचाई का कार्य करती है बिहार में। जैसे त्रिवेणी नहर पूछा जाता है किसमें है, एक तो गंडक नदी पे है। तिरहुत नहर किस पे है, तो गंडक नदी पे है। सारण नहर किस पे है, तो गंडक नदी पे है। राजपुर नहर किस पे है, तो कोसी नदी पे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, इसको एक बार आप रिवाइज करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बिहार में इतनी नदियां बहती हैं, जो बड़ी नदियां हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसको रिवाइज करिए दो बार तीन बार, वीडियोस को पूरा देखिए, तभी आप इसका नाम लेक्चर को समझ पाएंगे, अन्यथा आप इस लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। फिफ्थ वाले बीपीएससी में हम लोग देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से करके जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से पीपीएससी को डेडिकेटेड है और टॉपिक क्या है, जनगणना, बिहार
एवं भारत दोनों की जनगणना को हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और अच्छे से हम लोग इसको पढ़ सकें। तो आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, RMIS Academy करके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनगणना की कहानी को, पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार की पृष्ठभूमि को और भारत की पृष्ठभूमि को। देखिए सबसे प्रथम बार अगर जनगणना की शुरुआत कभी हुई थी, ठीक, प्रथम बार अगर जनगणना की शुरुआत हुई थी तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। प्रथम बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। देखिए पेज ले लेता हूँ, उस पर लिखते भी चलता हूँ। प्रथम बार जनगणना 1872 में, ठीक, मेयो, लॉर्ड मेयो, मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वास्तविक रूप से जनगणना की शुरुआत कब होती है, ठीक, 1872 है, इसको माफी चाहूंगा मैं, 1872 है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर हम बात करें कि वास्तविक रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और 1881 में जो हमारा वायसराय था वो था रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड रिपन था, ठीक। इसको हम लोग छोटा छोटा भी कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वास्तविक जनगणना हुई थी। अगर बोलिए कि ये जो जनगणना 2011 वाली हुई थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की सातवीं जनगणना। और अगर वास्तविक ऐसे माने टोटल जनगणना को यहाँ से गिने 1881 से तो 15वीं जनगणना थी। और उसके जो अध्यक्ष जो थे हमारे कौन थे? सी चंद्रमौली साहब थे। कौन थे? सी चंद्रमौली साहब। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कैमरा ऑन नहीं किया मैंने जानबूझ के, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको केवल पीडीएफ दिखे। जिसको भी इस क्लास के बाद पीडीएफ चाहिए वो हमें मैसेज करिएगा, डायरेक्टली मैसेज करिएगा, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 8299933 और फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 62। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मैसेज करिएगा, आपको मैं जनगणना का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक। जैसे ही मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा पूरा टॉपिक, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जनगणना वाला टॉपिक हमारा, ठीक, समय को बर्बाद ना करते हुए। देखिए अगर बात करें कि भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है? 121,08,54,977, याद रख लीजिएगा, 121 करोड़ के आसपास है, लास्ट में 977 है। एक्यूरेट तो कोई रट नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश ट्राई तो कर सकते हैं कि कम से कम थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टोटल हमारे भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है। मोदी जी चिल्लाते रहते हैं 125 करोड़ देशवासियों, तो 125 करोड़ मत समझ लीजिएगा, ठीक। टोटल जो जनसंख्या है हमारे देश की है 121 करोड़ है 2011 के सेंसर के अनुसार। और ये जनगणना है हर 10 साल में कराई जाती है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा था, तो जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा था? हमारा जनसंख्या विभाजक वर्ष था 1921, ठीक। तो अब पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 51.47% है पुरुषों की जनसंख्या है, ठीक, 51.47% पुरुषों की जनसंख्या है। बोले कि जनसंख्या में टॉप पे कौन है? अगर हम बात करें जनसंख्या में टॉप पे कौन है, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट जरूर लूंगा, ठीक। तो पुरुषों सबसे ज्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद है कौन, मध्य महाराष्ट्र, और तीसरे पे बिहार है, ठीक। पुरुषों की जनसंख्या 51.47% और महिलाओं की जनसंख्या है 48.53%। पूछे सबसे ज्यादा राज्य जनसंख्या वाला राज्य तो कौन है, उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम है। अब इसी तरीके से बिहार में कंपेयर करते हैं। तो आई होप आपको स्क्रीन तो एकदम क्लियर दिख रहा होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये बीपीएससी 67 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, एवर ग्रीन टॉपिक हो जाएगा, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसको कंप्लीट करें और जो अपना एग्जाम है उसको क्लियर करें, टाइम को ना बर्बाद करें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार का, बिहार की टोटल जनसंख्या है 10,40,99,452, 10,40,99,452, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% लोग कहाँ रहते हैं, बिहार में निवास करते हैं।
जैसे कि मान लीजिए भारत में कुल 121 करोड़ है, तो 121 करोड़ के 8.6% लोग कहाँ रहते हैं, बिहार में निवास करते हैं। जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है। ठीक, टोटल जनसंख्या बिहार की कितनी है, 10,40,99,452। बीपीएससी में डायरेक्ट आंकड़ा भी पूछ लेता है तो आपको याद करना होगा। ठीक, 2.4% क्षेत्रफल मिला है रहने के लिए, उसमें कितनी जनसंख्या निवास कर रही है भारत की, 8.6% के आसपास जनसंख्या निवास कर रही है। जनसंख्या में थर्ड पे है बिहार, पुरुषों की आबादी 52.14% है, बाकी जो बच जाता है 47.86% महिलाओं की आबादी है। अब बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपने मेरा मोबाइल नंबर तो नोट कर ही लिया होगा, और उसके साथ साथ ये रहा, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, पीडीएफ पे मैसेज करें 8299339562। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रामीण आबादी, देखिए सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण आबादी कहीं भारत में, भारत की ग्रामीण आबादी है 68.8% लोग क्या है, ग्रामीण है, और करीब 31.2% शहरी है। अगर उसमें भी बात करिए कि सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, 90% लोग कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण, मतलब गांव में निवास करते हैं। और गोवा में करीबन 62% लोग क्या है, शहरी हैं, मतलब 32% लोग वहाँ के गांव में निवास करते हैं। इसी तरीके से बिहार में कंपेयर करें तो 88.7% लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। 11.3% लोग, मतलब 11.3% लोग कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। समस्तीपुर इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पे 96.5% लोग कहाँ रहते हैं, 96.5% लोग रहते हैं समस्तीपुर, यानी कि गांव में रहते हैं, और 33% लोग शहर में रहते हैं। पटना एक लौटा ऐसा जिला है बिहार का जहां पे 43% लोग कहां पे रहते हैं, शहर में रहते हैं। अब दशकीय वृद्धि की बात करें तो भारत का दशकीय वृद्धि दर रहा है, भारत का दशकीय वृद्धि दर रहा है 17.7%, भारत का दशकीय वृद्धि दर रहा है 17.7%। और सबसे ज़्यादा अगर दशकीय वृद्धि कहीं का रहा है तो मेघालय का रहा है, मेघालय 27.9%। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है एक 10 सालों में जनसंख्या कितनी बढ़ी है उसको निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 लोग थे तो 117 लोग हो गए, तो क्या हो जाएगा, 17% हो जाएगा दशकीय वृद्धि दर। इसी तरीके से अगर मेघालय में 100 लोग थे तो कितने लोग हो गए, 27.9% लोग हो गए, तो कितने हो गए, 27.9% उस वहाँ की क्या होगी, दशकीय वृद्धि दर होगी। और नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य था जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बाद घट गई, माइनस में चली गई। नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य था जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होगी, घट गई। अब बात करते हैं बिहार में, बिहार में दशकीय वृद्धि दर रहा है मधेपुरा में सबसे ज़्यादा, कितना था, 31% लोग वहाँ पे बढ़ गए 10 साल में, और गोपालगंज में 19%, जहाँ पे सबसे कम है। लिंगानुपात की बात करें कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है भारत की, तो 943 है। सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का, सबसे अच्छा लिंगानुपात हमें देखने को मिलता है केरल में, और फिर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पे, केरल में। और इसी तरीके से अगर हम बात करें भारत का, अगर बोले लिंगानुपात कितना है भारत का, अगर हम भारत का लिंगानुपात अगर बात करें हम कि भारत का लिंगानुपात कितने अनुपात की बात करें, तो भारत का शिशु लिंगानुपात 918 है, और सबसे कम है हरियाणा का 834, और सबसे अच्छा है 972 अरुणाचल प्रदेश का। अब हम बात करते हैं बिहार की, कि बिहार का जो है लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं, मतलब 1000 पुरुष होते हैं तो उसमें से कितनी महिलाएं हैं, 918 महिलाएं, इसीलिए लोगों को शादी करने बिहार से बाहर जाना पड़ता है। सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला अगर जिला कोई है तो गोपालगंज है, सबसे घटिया है तो मुंगेर है। इसी तरीके से शिशु लिंगानुपात बिहार का भारत से भी अच्छा है, तो बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है, सबसे अच्छा किशनगंज में है, और सबसे बेकार वैशाली में है। जनसंख्या घनत्व, कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, 1106 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं एवरेज, और दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, और सबसे कम है भारत में अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है इसलिए वहाँ पे लोग कम रहते हैं, क्योंकि पठारी एरिया और जमीनी मैदानी एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, वो क्या है, पठारी एरिया है और पहाड़ी एरिया है इसलिए वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। अब बात करें कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, और सबसे अच्छा जनसंख्या घनत्व, अगर मतलब सबसे घटिया जनसंख्या घनत्व हम बात करें तो शिवहर का 1880 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, सोचिए कितना दबाव होगा जनसंख्या का। उसी तरीके से कैमूर की बात करते हैं, कैमूर
अब याद रखिएगा कैमूर 488 वर्ग किलोमीटर के साथ, कैमूर 488 वर्ग किलोमीटर के साथ अंतिम स्थान पे है किसमें जनसंख्या घनत्व में, बिहार में। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, सबसे ज्यादा है बिहार में शिवहर का। अब आते हैं दूसरे पेज पे, ये पीडीएफ आपके लिए इसको डिजाइन के बहुत ही काम आने वाला, अगर आप इसको रट लेते हैं पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैं कैमरा ऑन नहीं कर क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं जैसा होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे साक्षरता वगैरह पे, ठीक, कैमरा ऑन कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे आपका साक्षरता के बारे में, कि अगर हम बात करें कि भारत की साक्षरता दर ओवरऑल कितनी है, तो 73% लोग, 73% लोग भारत में पढ़े लिखे हैं। उसमें भी सबसे अच्छा कहाँ पे है, केरल में है 94% लोग, सबसे घटिया बिहार में। पुरुषों में भी सबसे अच्छा केरल, सबसे घटिया बिहार में। महिलाओं में भी सबसे अच्छा कौन, केरल, और सबसे घटिया बिहार में। तो परसेंटेज आप रट लीजिएगा, पीडीएफ आप हमसे ले लीजिएगा, इससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी आगे का क्वेश्चन करने में, ठीक। इससे क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैंने क्लियर किया है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। मैं इसमें पेन नहीं चला रहा हूँ क्योंकि ये फिर इसके बाद ख़राब हो जाएगा, फिर आपको पीडीएफ अच्छी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं पीडीएफ पे पेन नहीं चला रहा हूँ, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बिहार में, कि बिहार का ओवरऑल साक्षरता दर 61.8% है, 61.8% है। सबसे अच्छा शिक्षा साक्षरता दर कहाँ पे है, रोहतास में 73% के आसपास, और पूर्णिया में सबसे कम है। उसमें पुरुषों में भी सबसे अच्छा रोहतास है और सबसे लास्ट पे पूर्णिया है, लेकिन महिलाओं में चेंज हो जाता है। महिलाओं में लास्ट नंबर पे कौन है, लास्ट नंबर पे सहरसा है, और नंबर वन पे इसमें भी रोहतास ही है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के लिए, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप कॉमन सेंस लगा के भी बता सकते हैं कि कहाँ पे है, दिल्ली में है, केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे कम है लक्षद्वीप में। दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ रही है, तो दादर एवं नागर हवेली में। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दादर एवं नागर हवेली में क्या बन रहा है, क्या नाम है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो 55.9% लोग क्या है, दशकीय वृद्धि दर रही है दादर एवं नागर हवेली की। लक्षद्वीप में कितनी रही है, लक्षद्वीप में आपको देखने को मिली है 6.3% लोग क्या है वहाँ पे पढ़े लिखे लास्ट पे। लिंगानुपात है पुदुचेरी का सबसे अच्छा है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा लिंगानुपात कहीं किसी का देखने को मिलता है तो किसका है, पुदुचेरी का है 1037, और सबसे कम देखने को कहीं पे मिलता है तो दमन एवं द्वीप का है जो 618 है। दमन एवं द्वीप का है जो 618 है। पीडीएफ के लिए मुझसे संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पे। जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है एक पैराग्राफ वाइज, ये आपके लिए एक समझ लीजिए कि अंतिम समय में ये रामबाण का काम करेगा। अगर हम बात करें साक्षरता में सबसे अच्छा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है 91.98% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम है आपका दादर एवं नागर हवेली में 76.2% के आसपास। अगर हम बात करें एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हो, तो चंडीगढ़ और दिल्ली में रहते हैं, और एसटी रहते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर, लक्षद्वीप में। तो इसी के तहत आज का जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं, जितना भी मैंने बताया उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, इसको हाई क्वालिटी पे रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो हमसे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ये दोनों को देख के, क्योंकि ये आपको क्या नाम है अंत समय में इतना अच्छा ये रिवीजन करा के जाएगा कि आप किसी खोजते रह जाएंगे, पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके की क्वालिटी नहीं मिलेगी जिस तरीके का मैंने डायग्राम बना के डिज़ाइन बना के आपको प्रेजेंट किया है सामने से, ठीक। तो मैं वैसे भी क्या नाम है चाहता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम निकले, इसलिए मैं इस तरीके की मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मेहनत करिए, आप भी सपोर्ट करिए, और क्या नाम है अपने एग्ज़ाम को क्लियर करिए, बस यही चाहते हैं और क्या। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर शाम में देखते हैं तो मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट करा देता हूँ धीरे धीरे करके, और फिर इसके साथ साथ जितने भी मैंने लेक्चर बना पढ़ाए हैं आपको उसको कंप्लीट करिए, बीपीएससी रुकने वाला है नहीं आपका, ठीक है। तो आज का हम यहीं लेक्चर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद, भारत माता की जय। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी स्पेशल के इस नए लेक्चर में। ये मैंने बोरो किया है एडुटेरिया की क्या नाम है वेबसाइट से,
ये जो नोट्स थे मुझे लगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं क्रम कवर कराने वाला हूँ आपको बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो आरम गुरु के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरम गुरु मैं पिछले 2 सालों से 3 सालों से सिविल सर्विस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। बहुत ही जल्द हो सकता है मैं पटना में ही लेके आऊँ कि ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको कम से कम में मेंस की तैयारी पूरी कराऊँ पटना में ही। ठीक, तो अभी तो अनाउंसमेंट किया है मैंने, जल्दी आप इस पर वर्क किया जा रहा है और पटना में ही आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों गाइडेंस प्रोग्राम चलाए जाएंगे पटना में ही मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, पीटी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और पीटी की जर्नी को ख़त्म करते हैं। तो मेरा नाम शंकर कुशवाहा है, आई होप आप सभी जानते ही होंगे। ठीक, अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, UPSC4199 करके आपको पता चल जाएगा, और मेरा फेसबुक आईडी भी है शंकर UPSC कुशवाहा के माध्यम से। तो ये सभी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि अच्छी चीज़ों की कदर नहीं है, बुरी चीज़ों की कदर है। दुनिया भर भर के करेंट अफेयर्स पढ़ा रही है और लोग देख भी रहे हैं। ठीक, तो मैं केवल करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ाता हूं, सब कुछ पढ़ाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये हर 2 साल में ये जारी की जाती है। कब जारी किया जाता है? हर 2 साल में इसको जारी किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR द्वारा इसको हर 2 साल में जारी किया जाता है, और पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के तहत ये वन संरक्षण विभाग FSI के द्वारा, FSI के द्वारा हर 2 वर्षों में इसे जारी किया जाता है। 1987 में प्रथम बार इसको जारी किया गया था, और उसके बाद से इसे हर 2 साल में जारी किया जाता है। ठीक, इसे हर दो साल में इसे जारी किया जाता है। इससे पहले 2019 में रिपोर्ट आई थी, अब ये जो रिपोर्ट है 2021 वाली रिपोर्ट है। तो रीसेट सेकेंड सेटेलाइट से इसके आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, इसको जारी किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण बार बार बोल रहा हूँ, वनावरण 73,080.79 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। हालांकि मैं लिख सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें पीडीएफ में, तो इसको लिख सकता हूँ 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये बिहार का कुल क्षेत्रफल है। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल के 17.84% पे क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। 7.84% पे बिहार में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। बिहार के लगभग 7.84% पे वन पाया जाता है। 2029 की रिपोर्ट की तुलना करें तो लगभग 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और 1% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक, अगर हम 2019 से कंपेयर करें कि बिहार में कितना फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है? 75 किलोमीटर, और कितना परसेंट बढ़ा है? तो 1% के आसपास ये बढ़ा है। इसको आप याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसको। ठीक, ये आपके बहुत ही काम आने वाला चीज़ है, तो इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगले पेज पे आते हैं। बिहार में हमें देखने को मिलता है कि बिहार में सघन वन कितने हैं, बहुत सघन वन कितने हैं, 333 वर्ग किलोमीटर में सघन वन है। ठीक, और क्षेत्रफल अगर हम बात करें 2019 में 333 किलोमीटर, और 2000 क्षेत्रफल में अगर हम कंपेयर करें कि कितनी वृद्धि हुई है, तो बस हमें ये बताना है कि कितनी वृद्धि हुई है। 2000 देखिए, बहुत सघन वन में कुछ ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें 2021 में आप देखने को मिल रहा है कि 19 से कंपेयर करें तो 6 किलोमीटर की वृद्धि हुई है मध्यम सघन वन में। खुला वन 2019 में 3,693 वर्ग किलोमीटर में था, लेकिन खुला वन इस समय 3,762 किलोमीटर में देखने को मिल रहा है। अगर क्षेत्रफल हम बात करें तो क्षेत्रफल था उस समय 7,376 वर्ग किलोमीटर, और इस समय 7,381 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका बहुत सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन और कुल वन का प्रतिशत बताया जा रहा है और किलोमीटर बताया जा रहा है आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। इसको आप जस्ट करता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐप में है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिले। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बिहार में किस जगह पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, ठीक, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? कैमूर में। दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण में। तीसरे नंबर पे रोहतास है। कैमूर के लगभग 31.56% पे क्या पाए जाते हैं? 31.56% पे क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। और प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा है
और दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण और तीसरे नंबर पे रोहतास है। जस्ट कटस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम शेखपुरा, फिर उसके बाद अरवल, फिर उसके बाद जहानाबाद है। ठीक, सबसे ज़्यादा कैमूर, सबसे कम शेखपुरा। अगर टॉप थ्री याद रखना है तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। अगर इसमें क्या बोला है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है प्रतिशत के अनुसार, तो प्रतिशत के अनुसार भी सबसे नंबर वन पे क्या है, कैमूर है और लास्ट में शेखपुरा है। प्रतिशत वाइज सबसे ज़्यादा अगर वन कहीं पे पाए जाते हैं, वनावरण कहीं पाए जाते हो तो कैमूर में, लगभग 31.56% पे वन पाए जाते हैं। कहाँ पे, कैमूर में। ठीक, अगर हम लोग जिलों से कंपेयर करें तो सबसे कम पाए जाते हैं शेखपुरा में। टॉप थ्री याद रखिएगा, कैमूर, जमुई, नवादा। ठीक, और सबसे कम में शेखपुरा, बक्सर और सिवान। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, तो इसको आप लोग ज़रूर ज़रूर से इसको याद कर लीजिएगा। जैसे ज़रूर ज़रूर से शादी में आना ना बोलते हैं ना, कार्ड पे लिखा रहता है, तो ज़रूर ज़रूर से याद कर लीजिएगा, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। बहुत सघन वन पश्चिमी चंपारण, मध्यम सघन वन पश्चिमी चंपारण और खुला वन आपका कैमूर। सघन वन मतलब कि बहुत ज़्यादा जो क्या नाम, गज्जिन वन नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वन क्या नाम है, हरे भरे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो बहुत सघन वन आपको देखने को मिलेंगे पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। बिहार का इकलौता नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क भी वहीं देखने को मिलता है। मध्यम सघन वन भी आपको वहीं पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलते हैं। किलोमीटर में याद रख लीजिएगा, 249.34 किलो वर्ग किलोमीटर, 548.47 वर्ग किलोमीटर, और कैमूर में 531.073 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें बिहार का टोटल क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में बात करते हैं कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 23.41 वर्ग क्षेत्रों में वृक्षावरण। अगर हम बात करें कि बिहार में लगभग 2,341 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.48% है। अगर अब देखिए, वृक्षावरण मतलब कहीं पे भी पेड़ पौधे जो लगा दिए जाते हैं मानव के द्वारा, इंसानों के द्वारा, जो तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, कभी क्या नाम है हरियाली मिशन, कभी स्वच्छ भारत मिशन, कभी क्या नाम है फॉरेस्ट डाइवर्सिटी मिशन, इस तरह से जो पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वृक्षावरण बोलते हैं। और एक होता है वनावरण, वनावरण होता है जो नेचुरली उग जाते हैं उसको वनावरण बोल देते हैं। अगर हम बात करें वृक्षावरण में कितना परसेंट बिहार में है, 2,341 वर्ग किलोमीटर, और जो भारत के कुल, बिहार के कुल क्षेत्रफल का 2.48% है। अगर हम बात करें वनावरण कितने परसेंट में है बिहार में, तो 7.84% पे, दोनों को प्लस कर देंगे तो बिहार में टोटल निकल के आ जाएगा वृक्षावरण और वनावरण। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। 2019 की रिपोर्ट से तुलना करें तो वृक्षावरण में लगभग 338 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब कि क्या किए हैं कई लोगों के द्वारा, 338 किलोमीटर में पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो। अब देखिए यहाँ पे आप आके आपके सामने आप भी किया कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में बिहार में वन पाए, बिहार में वन एवं वृक्षावरण। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि वनावरण कितना है, 7,381 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। और दूसरा चीज दिया हुआ है आपको वृक्षावरण, जो 2,300 जो कितना दिया हुआ है आपको, 2,341 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। अगर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो बिहार में टोटल एरिया में निकल के आ जाएगा कि कितने परसेंट पे पूरा वन और वृक्षावरण पाया जाता है। तो बिहार के टोटल एरिया में 10.32% पे वनावरण और वृक्षावरण पाए जाते हैं, बस ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया, सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है बांका में, फिर जमुई में, फिर गया में, और सबसे कम वहाँ पे कटाई हुई है कैमूर में, सुपौल में, रोहतास में। उसका एक कारण भी है कि मानव ने अपने निवास के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए तरह तरह के अभियान चला चला के, तरह तरह के प्रोग्राम चला चला के वहाँ पे कटाई वगैरह की है, उससे क्या हो गया, कैमूर में वन में कमी आ गई है। लेकिन क्षेत्रफल में और प्रतिशत में दोनों में सबसे ज़्यादा बिहार में अगर कहीं वन पाए जाते हो तो कैमूर में ही पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला जो अगर जिला बात करें तो बांका है, फिर उसके बाद जमुई है, फिर गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा, 2019 से कंपेयर करके बताया जा रहा है आपको। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आप जानते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। इसमें 700
796.12 वर्ग किलोमीटर में वन के टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल है, जो लगभग 85.7% है। एक तरीके से आप याद रख लीजिएगा कि ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यहाँ पे 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व का 928.80 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में अगर बात करें तो 85.71% है। जस कथा से याद कर लीजिएगा, कुछ चेंज मत करिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ईमानदारी से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक। ईमानदारी से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा ईमानदारी से, ताकि मैं चारों को ही टिक कर दिया मैंने जानबूझ के। वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है तो क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। कैमूर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, प्रतिशत में भी क्षेत्रफल में भी वन पाए जाते हैं। दूसरा, ISFS के अनुसार बिहार में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ISFS के अनुसार सबसे कम वन पाए जाते हैं कहाँ पे, शेखपुरा में पाए जाते हैं। सबसे कम कहाँ पे, शेखपुरा में। तीसरे पे आते हैं क्वेश्चन पे, ISFS इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अनुसार सबसे सघन वन VWT वाले वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो पश्चिमी चंपारण। और मध्यम सघन वन भी कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी चंपारण। कैमूर में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्षेत्रफल में भी वन और सबसे परसेंटेज में भी वन, शेखपुरा में सबसे कम। और अरवल के बारे में जानते हैं, ये 38वां जिला था बिहार का। अगर पूछे कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वृक्षावरण और वनावरण का प्रतिशत कितना, अभी मैंने बताया 7.84% और 2.48%। 7.84% पे क्या है, वनावरण है, और 2.48% पे वृक्षावरण है। वनावरण, वृक्षावरण, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको याद करने के लिए। पांचवा क्वेश्चन करते हैं कि ISFS के अनुसार 2021 में बिहार में वनावरण के अनुसार से घटते हुए जिले, तो सबसे कम, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कैमूर, दूसरे बात पश्चिमी चंपारण, तीसरे पे रोहतास। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अब ये पूछा है कि ISFR 2021 के अनुसार पिछली बार की रिपोर्ट की तुलना में वन और वृक्षावरण में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है, तो वन में वृद्धि हुई है 75 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है कितनी, 338 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो इसको आप याद कर लीजिएगा जस का तस। अब ये क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट वाइज कि सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण बांका जिले में हुई है, बल्कि अगर 2019 से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा वन और वृक्षावरण में वृद्धि कहाँ हुई है, तो बांका में हुई है। दूसरा कथन, सर्वाधिक वनावरण और नुकसान कैमूर जिले में हुआ है, तो दोनों कथन सही है, तो एक एक और दो दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आठवां है कि वन और स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 में बिहार में वन का वृक्षावरण का क्रमशः प्रतिशत क्या था, 19 का पूछ लिया, 2021 में अनुसार बिहार में वन और वृक्षावरण का प्रतिशत पूछा है, वन और वृक्षावरण का क्रमशः है 7381 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वनावरण है, और 2341 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण है, याद कर लीजिएगा इसको। अब ये स्टेटमेंट है, ये इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। प्रतिशत के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कैमूर है, बिल्कुल सही है। बिहार में वन और वृक्षावरण का कुल प्रतिशत 10.32% है, ये भी सही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल क्षेत्रफल का 85.71% पे वन है। अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का बात करें, अगर मान लीजिए ये 100% का एरिया देखें, तो इसमें 81% पे क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है, तो इसको आप रट लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन जो मैं आपको कंपेयर करवा के करवा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत कम सघन वन, मध्यम वन और खुले वन क्रमशः प्रतिशत में बताइए। तो बहुत, अगर बात करें बहुत सघन वन 333 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन आपको याद रख लीजिएगा, तीनों का है 33, 333, 32, 86 और 37, 62। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ठीक। तो आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप को ये आपको ये समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो तो इसको 2 से 3 बार देखें और इसको शेयर करें। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पे मैसेज करें 8299, चलिए इस पे लिख देता हूँ मैं, वाइट पेज पे लिख देता हूँ। पीडीएफ के लिए यहाँ पे हमसे संपर्क करें 8299 33, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 95 और 62 पे मैसेज करें। पीडीएफ के लिए हमसे संपर्क करें, फ्री है पीडीएफ, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा इसका। कई लोग ये सोच के मैसेज नहीं करेंगे कि पैसा लगेगा, हाँ, लेकिन सब्सक्राइब करके ज़रूर मैसेज करिएगा और लाइक करके, अन्यथा पीडीएफ देने में मुझे थोड़ा सा कष्ट होगा, ठीक। तो धन्यवाद।
अब देखिए बजट बढ़ गया हम लोग का, तो हम लोग अब माइक में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए पहले भी कर रहे थे, तो चलिए सबसे पहले आरएम गुरु में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बीपीएससी स्पेशल है, बीपीएससी। और मैं अपना इंट्रोडक्शन बार बार देना नहीं चाहता हूँ, इतनी बार दे चुका हूँ, तो टाइम बर्बाद करने के बजाय चलिए टॉपिक पे आते हैं सीधा। तो बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, बिहार के प्रमुख उद्योग एवं धंधे। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कौन से उद्योग स्थापित है, जैसे मान लीजिए सिलाई उद्योग हो गया, मशीनरी उद्योग हो गया, प्राइवेट कार लिमिटेड उद्योग हो गया। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो बीपीएससी 65 का, बीपीएससी 66 का, चाहे आप बीपीएससी का कोई भी पेपर, ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय आपको बर्बाद किए हुए। 2016-17 के अनुसार जीडीपी में सबसे कम अगर किसी का योगदान है बिहार की स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की जीडीपी में अगर कोई सबसे कम अगर योगदान देता है ना, तो वो वहाँ के उद्योगी हैं। अगर आप देखेंगे तो देश में उद्योग का योगदान, अगर हम बात करेंगे कि बिहार में, जैसे मान लीजिए हम बिहार में रहते हैं और बिहार में मेरी इनकम 100 रुपये है, अगर हम बिहार में रहते हैं और मेरी इनकम 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से 1.5 रुपये हमें कहाँ से मिलता है? उद्योग से मिलता है। और बाकी सब कलेक्शन कहाँ से होता है? इंडस्ट्रियल एरिया से होता है, रेवेन्यू से होता है, और अब रोड टैक्स वगैरह से होता है। तो आप जानते होंगे वित्त आयोग के बारे में आप पढ़े होंगे, तो केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है, तो कई ऐसे कारण हो सकते हैं। तो हम अगर क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का है, तो क्या सही है कि गलत है? गलत है ना। अभी तो मैंने आपको बताया कि 1.2% योगदान करता है। अगर मेरी इनकम 100 रुपये, तो उसमें से 1.2 रुपीज़ कहाँ से आता है? बिहार के उद्योग से आता है, तो बहुत ही कम है। और फिर उसके बाद देखिए प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक उद्योग पटना में है। अब देखिए प्रतिशत मतलब कि मान लीजिए बिहार का, हम मान लीजिए एक बॉक्स लेते हैं, ये बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में इस जगह पे ये मान लीजिए पटना है, तो पटना में बिहार में सबसे ज़्यादा उद्योग इंडस्ट्रीज, और सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पे होते हैं? पटना में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पटना में होते हैं। और फिर उसके बाद देखिए बिहार में उद्योग का बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ योजनाएं चला रही है, कुछ प्लानिंग चला रही है, जिसके द्वारा क्या कर रही है, बिहार में उद्योग को बढ़ाया जा रहा है, और बिहार में उद्योग के द्वारा क्या करने का, बिहार का विकास करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में औद्योगिक नीति को प्रोत्साहन 2016 में दिया गया था, उसमें निवेश करने की शुरुआत 2016 में की गई थी। बिहार स्टार्टअप नीति भी लेके आए थे 2017 में कि बिहार में उद्योग को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए उच्च प्राथमिक क्षेत्र की नीति भी लेके आए थे बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। अब देखिए इसमें BIADRA बाडा 1974 के एक्ट के तहत क्या किया जाता है, बिहार में उद्योग का विकास किया जाता है, इसी कानून के तहत बिहार में उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए बिहार के जो प्रमुख उद्योग है वो कौन चीज़ कहाँ पे है और किस जगह पे स्थित है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए भागलपुर में कौन सा उद्योग है, तो भारत वैगन एंड ईजी कंपनी लिमिटेड का उद्योग कहाँ पे है? मोकामा में है। अब पूछता है दूसरा कि थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है बिहार में, तो बरौनी में है। कहाँ पे है? बरौनी में। इस चार्ट को आप एकदम रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ये जो बिहार स्पेशल की मेरी सीरीज चल रही है ना, जो हमारी टीम आपके लिए बिहार स्पेशल की सीरीज लेके आ रही है, चाहे हिंदी के, चाहे हिस्ट्री की लेके आ रही है, चाहे पॉलिटी की लेके आ रही है, चाहे ज्योग्राफी की लेके आ रही है, आपके लिए वो समझिए कि रामबाण है। अगर आप इसको खोजने बैठेंगे बुक में, तो आपको खोजने में बहुत ज़्यादा समस्याएँ होंगी। आप एक बार में इसको खोज पाएंगे और एक जगह पे आपको कंटेंट मिलेगा नहीं। तो जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करें और वीडियोस को पूरा देखें, और कम से कम हो सके तो उसका एक नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स नहीं बना सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो आपके हमें सामने सभी दृश्य प्रकट कर देता है। देखिए तीसरा क्या, उर्वरक उद्योग कहाँ पे है? बरौनी में है। बंदूक कारखाना, सोच लीजिए बिहार में बंदूक भी बनते हैं, याद रखिएगा। बंदूक कारखाना कहाँ पे है? मुंगेर में है। सिगरेट कारखाना कहाँ पे है? मुंगेर में। देखिए बोलते हैं कि वहाँ पे नशा पानी और शराब वराब पे प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इन सब चीज़ों का कारखाना वहाँ पे अभी भी स्थापित है। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है, बिहार इकलौता नहीं बोल सकते, राजस्थान भी एक राज्य है जहाँ पे क्या है, दारू वगैरह पे बैन लगाई गई है, लेकिन आज भी उस पे क्या होता है, ब्लैक में सप्लाई किया ही जाता है। जूट उद्योग कहाँ पे है? जूट उद्योग कहाँ? कटिहार में है। सीमेंट उद्योग कहाँ पे है? डालमिया नगर रोहतास में है। कहाँ पे है? सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में है। पटाखा उद्योग कहाँ पे है? पटना में। पौसे पटाखा, पौसे पटना कहाँ पे है? पटना में। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ पे है? फतुहा के पटना में है। कहाँ पे है? फतुहा के पटना में है। अब देखिए कुछ और भी उद्योग हैं, जैसे कि आप देखिए रेशम उद्योग कहाँ पे है? रेशम उद्योग कहाँ पे है? रेशम उद्योग भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर में। तो आप इसको मालूम है, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? मैप।
एक बिहार का मैप लीजिए, ब्लैंक मैप, ठीक, ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें जो जो उद्योग जहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं, जिस प्रकार की वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, जो जो से इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्थापित हैं और जो वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, उसको एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा। इससे सिंपल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, प्लाईवुड कारखाना कहाँ है, हाजीपुर वैशाली में है। चमड़ा उद्योग कहाँ है, मोकामा में है। खनन उद्योग कहाँ, औरंगाबाद में है। सिंदूर उद्योग कहाँ है, लखीसराय में है। और डेयरी उद्योग कहाँ है, पटना में है। डेयरी उद्योग से क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी 63 में डेयरी उद्योग से क्वेश्चन पूछे गए थे कि डेयरी उद्योग कहाँ पे है, तो पटना में है, ठीक। और पटना कौन कौन सी नदियों के संगम पे स्थित है, गंगा, ठीक, सोन और प्लस गंडक, गंगा सोन और गंडक नदी के संगम में कौन सा शहर स्थित है, बिहार का पटना। और बिहार में टोटल जिले कितने हैं, टोटल है जिले 38, ठीक। बिहार का गठन कब हुआ था, 1912 में, कब हुआ था, 1912 में हुआ था। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, सन 1936 में, ठीक। बिहार से झारखंड कब बना था, बिहार से झारखंड सन 2000 में। ये तीन चीज़ें भी याद रखते रहिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब बिहार का विभाजन हुआ था, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो करीब 90% से ज़्यादा जो उद्योग थे, सॉरी 90% से ज़्यादा जो खनिज थे कहाँ चले गए थे, आपके यहाँ पे चले गए थे, कहाँ पे, झारखंड वाले इलाके में। फिर भी बिहार में इतने लोग स्थापित हैं, तो ये बड़ी बात है। तो इसको आप रटिएगा मत, केवल 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, 5-6 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए लेके आ रहे हैं ना, बड़ा वीडियो लोग देखते नहीं, और बड़ा वीडियो जो हो जाता है तो लोग 1 सेकंड 2 सेकंड या फिर क्या नाम है 10 सेकंड देख के छोड़ देते हैं, तो उससे आपका लाभ नहीं होने वाला, इसलिए छोटा वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आपके काम आए, ठीक। एक बार रिवाइज करते हैं कि वैगन उद्योग एजी लिमिटेड कहाँ पे है, मोकामा में है। थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, बरौनी में है। उर्वरक उद्योग कहाँ पे है, बरौनी में है। बंदूक कारखाना कहाँ है, मुंगेर में है। सिगरेट कारखाना कहाँ है, मुंगेर में है। जूट उद्योग कहाँ पे है, कटिहार में है। सीमेंट उद्योग कहाँ है, डालमिया नगर रोहतास में है। पटाखा पटना कहाँ पे है, पटाखा उद्योग कहाँ पे है, पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ है, फतुहा में है। रेशम उद्योग कहाँ है, भागलपुर में है। और यहाँ पे प्लाईवुड कारखाना हाजीपुर वैशाली में है। चमड़ा उद्योग मोकामा में है। खनन उद्योग औरंगाबाद में है। सिंदूर उद्योग लखीसराय में है। और डेयरी उद्योग कहाँ पे है, पटना में है। इतनी चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना है, एक केवल आप इसको 3-4 बार देख लेंगे, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आपको ये रटा जाएगा, और इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो कंटेंट है उसको क्या करें, फॉलो करें। धन्यवाद। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या नाम है, बिहार के खनिज से। सबसे पहले आरएम गुरु में आपका स्वागत है, और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, सेलेक्ट किया है, जो बीपीएससी में हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, बिहार के खनिज। आप पेपर उठा के देख लीजिए, 63 का, 64 का, 65 का या 66 का भी, तो इन खनिजों से क्वेश्चन आए हैं। और बिहार के में कुछ ही खनिज हैं, क्योंकि पूरा का जब बिहार का विभाजन हुआ था, कब, आपने सुना होगा कि सन 2000 में क्या हो गया था, कौन बन गया था, बिहार से पृथक होकर झारखंड बन गया था, क्या बन गया था, झारखंड अलग हुआ था, झारखंड। तो करीबन 97% जो खनिज थे, 97% के आसपास खनिज कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। और 3% जो खनिज था, 3% के आसपास जो खनिज है वो कहाँ, 3 से, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 3 से 4% खनिज अभी भी कहाँ पाए जाते हैं, बिहार के साउथ वाले हिस्से में पाए जाते हैं। और इसलिए मैं आपको बिहार का मैप भी दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये भी बीपीएससी स्पेशली है, समझ लीजिए बीपीएससी स्पेशली है बिहार का। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, स्पेशली बीपीएससी देना चाहते हैं, तो आपके पास एक बिहार का मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बिहार का मैप होना चाहिए। तो बिहार का सबसे पहले बात, इसको बताने से पहले मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ कि बिहार का गठन कब हुआ था। तो बिहार का गठन हुआ था 1912 में बिहार का गठन हुआ था। कब हुआ था, और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। 1912 में बिहार का गठन हुआ था, और 22 मार्च को नीतीश के कार्यकाल से ये 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, स्पेशली इंटरनेशनल वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे बोल दीजिए, और 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को ही मनाया जाता है बिहार दिवस भी। और 1936 में बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ था, और सन 2000 में बिहार से एक अलग होकर एक और राज्य बन गया था, वो था झारखंड। कौन सा राज्य बन गया था, झारखंड। तो आज हम लोग बिहार के पाए जाने वाले खनिजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। ये देखिए आप बिहार का एक मैप देख रहे होंगे, और बिहार के बीचों बीच से जो एक नदी होकर गुजरती है, ये जो बिहार के बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। गंगा क्या बोलते हैं, इसको गंगा बोलते हैं।
बिहार के बीचों बीच से जो नदी होकर गुजरती है उसको गंगा बोलते हैं, जो बिहार को दो भागों में बांट देती है। बिहार को जो क्या करती है, दो भागों में बांट देती है। ये नदी जो है बिहार को दो भागों में बांट देती है। ये जो गंगा नदी है बिहार को दो भागों में बांट देती है। उत्तर वाला और ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी बिहार और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी बिहार। अब होता क्या है कि आप सुनिए ध्यान से कि होता क्या है कि जो आप ये देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला, तो नीचे वाला स्ट्रक्चर सूखे के लिए जाना जाता है। नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है सूखे के लिए जाना जाता है, सूखे के लिए। और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो बाढ़ के लिए जाना जाता है, बाढ़ के लिए। अब बाढ़ के लिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि ऊपर जो है हिमालयन नदियां आके अपना जल संग्रहित करती हैं, इसलिए उत्तर बिहार में क्या आती है, बाढ़ आती है, और दक्षिण सूखे के लिए जाना जाता है। यही दक्षिण का कुछ हिस्सा है जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार वाला, यहाँ पे क्या पाया जाता है, खनिज पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे खनिज क्या क्या पाए जाते हैं आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट में खनिजों को दर्शाया है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि मैं इस पे लिखने वाला हूँ तो फिर ये सही से दिखेगा नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, आशा करता हूँ आपने ले लिया होगा। तो सबसे पहले देखिए पाइराइट्स, पाइराइट्स कहाँ पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। अब मैप में खोजेंगे कि भैया रोहतास कहाँ है, तुम रोहतास यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये नीचे एकदम देख रहे हैं कैमूर के बगल में, द साउथ में। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रोहतास कहाँ है, उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में, पश्चिम बिहार में, या पूर्व बिहार में। तो आप क्या बोलेंगे कि दक्षिण बिहार में है रोहतास, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रोहतास में क्या पाया जाता है, पाइराइट्स पाया जाता है, और पाइराइट्स का उपयोग उर्वरक क्षेत्र में किया जाता है, जो कीटनाशक बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, पाइराइट्स का उपयोग किया जाता है। और रोहतास कहाँ है, यहाँ पे देख रहे हैं दक्षिण में। उसके बाद है चूना पत्थर, ये कहाँ पाया जाता है, रोहतास है कैमूर। अब देखिए ये रोहतास है और इधर आप बगल में ही देखेंगे ये क्या है, कैमूर है। तो रोहतास है कैमूर में क्या पाया जाता है, रोहतास और कैमूर में पाया जाता है आपका क्या, चूना पत्थर। क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। और चूना पत्थर किस लिए उपयोग में लाया जाता है, सीमेंट उद्योग में, जितने भी सीमेंट के कारखाने बनते हैं उसमें क्या करते हैं, चूना उद्योग में लाया जाता है। फिर अगला जो है अभ्रक है, क्या है, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, नवादा और गया में। अब इसमें हम लोग मैप में खोजेंगे कहाँ है, गया यहाँ है, नवादा यहाँ है। तो मैप आप अपने घर में एक चिपका लीजिए, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो स्पेशली आप एक मैप बिहार का रख लीजिए। मैंने कुछ जिलों को भी दर्शाया है ताकि आप उसको देखेंगे। तो टोटल 38 जिले हैं बिहार में, कितने हैं, 38, ठीक, 38 जिले हैं, 38 जिले हैं, याद रखिएगा। आप ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो लिखा हुआ है मैंने, सोना, सोना कहाँ पाया जाता है, जमुई में, जमुई में सोना पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि सोना कहाँ पाया जाता है, उसमें कर्नाटक भी दे देगा ऑप्शन में, लेकिन उसमें बोलेगा बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है, उसमें एक को आपको दे देगा जमुई दे देगा, रोहतास दे देगा, कैमूर दे देगा, कर्नाटक दे देगा। तो आप किस पे क्या क्या, अगर आप एक से अधिक भी दे देगा तो आप क्या लगाएंगे टेक, एक से अधिक, क्योंकि मालूम है बीपीएससी में होता क्या है, ए बी सी डी प्लस ई भी आता है ऑप्शन, तो ई वाला बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसलिए कंफर्म आपको आंसर पता होना चाहिए, अगर आप आंसर आपको पता नहीं है तो भी आप गलतियां करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि ई वाले में क्या रहता है, इनमें से कोई भी नहीं भी रहता और एक से अधिक भी रहता है, तो ई वाला जो ऑप्शन आता है हमेशा आपको गड़बड़ करता है। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, तो आप इससे सतर्क रहिएगा। तो क्या है कि सोना जमुई में पाया जाता है, फिर उसके बाद बागसाइड मुंगेर में पाया जाता है। अब इसमें हम लोग खोजेंगे कि मुंगेर कहाँ है, मुंगेर कहाँ है, मुंगेर, तो ये रहा ऊपर मुंगेर, किसके, नवादा और जमुई के ठीक ऊपर क्या है, मुंगेर है। मुंगेर में क्या पाया जाता है, मुंगेर में बागसाइड पाया जाता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है, एल्युमिनियम का ये अयस्क होता है। अयस्क क्या होता है, जो जमीन से निकलता है, तो इसमें कई धातु मिक्स रहती है ना, तो उसको अलग करके जो धातु निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अब पाइराइट्स, पाइराइट्स कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है, ये भवन निर्माण में यूज किया जाता है पाइराइट्स। अब देखिए कि इसमें कहाँ है, इसमें क्या क्या दिया है, पाइराइट्स मुंगेर, फिर से खोजिए मुंगेर कहाँ है, मैप में जाइए, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे है मुंगेर। तो आपको मैप भी देखते रहना है और इसको भी देखते रहना है, ऐसे मैप वाइज आप दर्शा देंगे। अगर आपके पास अगर मैप है बिहार का, ब्लैंक मैप है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले अगर ब्लैंक मैप है आपके पास बिहार का, तो आप सबसे पहले क्या करिए, उस मैप में, ब्लैंक मैप में एक एक जगह एक एक खनिज को भर दीजिए, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए क्या है, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी कहाँ कहाँ पे, भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, बर्तन के जो उपकरण बनते हैं उनका उपयोग किया जाता है चीनी मिट्टी का।
देखते होंगे कभी कटोरा बनता है, कभी चीनी बनता है, कभी कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो अलग अलग तरीके की डिजाइन की चीज़ें बनती हैं चीनी मिट्टी से। तो ये कहाँ पाया जाता है, भागलपुर मुंगेर में। तो आप यहाँ पे देखिए, ये रहा भागलपुर और ये रहा मुंगेर, दोनों अगल बगल सीमा साझा करते हैं। कितने अगल बगल, दोनों सीमा साझा करते हैं। फिर अगला जो है सोरा, सोरा कहाँ पाया जाता है, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और सारण मुजफ्फरपुर वाले एरिया में पाया जाता है। कहाँ पे, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, बेगूसराय जाएंगे। अब इसमें खोजिए आप मैप में कि बेगूसराय कहाँ है, बेगूसराय इसमें आप खोजिए, अगर आपको ना मिले तो फिर उसके बाद अलग अलग जगह जाइए। कहाँ पे है, बेगूसराय पश्चिमी चंपारण और सारण वाले इलाके में। अब देखिए ये जो पश्चिमी चंपारण यहाँ पे है, यहीं पे है पश्चिमी चंपारण, और ये बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। क्या है, बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। और यहीं पे आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। अगला क्या है हमारा, यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पे, गया में। अब इसमें आप खोजिए गया कहाँ पे है, तो ये गया यहाँ पे है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। सब साउथ में ही खनिज पाए जाएंगे, याद रखिएगा, पूछ लेगा ऑप्शन बना के कि खनिज बिहार में कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, या पूर्वी बिहार में, सॉरी भारत में मैंने बोल दिया, बोल देगा कि बिहार में खनिज कहाँ पाया जाता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में, या पश्चिम बिहार में, या पूर्वी बिहार में, और इनमें से ई वाला ऑप्शन तो आपको पता ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, ई वाले में दोनों रहता है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जितनी भी खनिज हैं, 3-4% जो खनिज पाए जाते हैं सब साउथ में ही पाए जाते हैं, क्योंकि नीचे जो हम लोग का झारखंड जब पृथक हुआ था तो सारा खनिज लेके वो चला गया, लेकिन नीचे कुछ ज़िले हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा खनिज पाया जाता है, जो कि चेंज हो नहीं सकता, खनिज ऊपर तो जाएंगे नहीं, और जहाँ पे पहाड़ रहेंगे, पठार रहेंगे, वहीं पे हमारा खनिज पाया जाएगा। खनिज तेल कहाँ पे पाया जाता है, मुंगेर और रोहतास। अब देखिए एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी कि मुंगेर और रोहतास में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। पूछेगा कि भारत बिहार में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो अब क्या बोलेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा खनिज मुंगेर और रोहतास में पाए जाते हैं। स्टेटमेंट बना के पूछेगा, एग्जैक्ट भी पूछ सकता है और स्टेटमेंट बना के भी पूछ सकता है। तो आपको सब तरीके से देखिए एग्ज़ाम हॉल में सभी जितने भी 150 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 150 क्वेश्चन टैकल कर सकता है। उसके लिए हमें एडवांस नॉलेज ही काम आएगी। जैसे कि अगर आप पढ़े रहेंगे, तो अगर आपको पूछेगा कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है, तो क्या बोलेंगे, 445 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई टोटल कितनी है, तो कितनी है, 2525 किलोमीटर। अब पूछेगा कि बिहार को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे, गंगा है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। तो ये सब क्वेश्चन आपको क्या पढ़ने से नहीं, अगर 150 क्वेश्चन आप कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 150 क्वेश्चन टैकल करते। आपको 100 से 90 क्वेश्चन ही सही से आते होंगे, आपको याद होंगे। 20-25 क्वेश्चन जो हैं आप अपने अंदाजे से उसको सही कर सकते हैं, अंदाजे से, अगर आप पढ़े रहेंगे तब, एलिमिनेशन मेथड। अब तीन का आंसर आपको पता है, चौथे का नहीं पता है, तो आप पक्का लगा देंगे उसको ही, क्योंकि हमें पता है ना ये तीन कंफर्म यहाँ पे पाए जाते हैं, तो चौथा तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा एडवांस नॉलेज भी आपके काम आती है, इसीलिए एग्जाम लोग नहीं क्रैक कर पाते हैं। तो 100 का 100 क्वेश्चन आप कर नहीं सकते, 150 का 150 क्वेश्चन 100 ही कर पाएंगे, 25 आपको दिमाग से ही सॉल्व करने होंगे। तो दूसरा क्या है, डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, रोहतास में, उर्वरक के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, रोहतास ऊपर जाएंगे फिर दिखेगा रोहतास। तो रोहतास में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं हमें, पाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा खनिज पाए जा रहे हैं। तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, पायराइट्स कहाँ पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, रोहतास एवं कैमूर में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, नवादा एवं गया में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। पायराइट्स कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। सोरा कहाँ पाया जाता है, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, सारण में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, गया में पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। और डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि बिहार जो है कितने देशों से और कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इधर क्या है, इधर देखिए, इधर क्या है, पश्चिम में यूपी है, दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो वो अब सीधा क्या लिखेंगे, क्या स्टेटमेंट बना के पूछेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि पूरब में किससे पाता है, पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में झारखंड से, और पश्चिम में यूपी से। और पूछेगा कितने देशों से सीमा साझा करता है, तो केवल एक देश, वो कौन सा देश है, वो है नेपाल। नेपाल से बिहार इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। अब होता क्या है कि पूछ लेता है कि नेपाल में
जो हमारे बिहार में हिमालयन नदियाँ आती हैं, तो ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से आती हैं, किस क्या नाम है, ऊपर जो आप पहाड़ी क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये जो ऊपर वाला जो एरिया है पूरा का पूरा हिमालयन क्षेत्र है, क्या है, हिमालयन क्षेत्र। तो पूछेगा जो बिहार के उत्तर वाला क्षेत्र है वो हिमालयन का कौन सा पार्ट है, बोलेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, या फिर देगा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो ऊपर वाला जो हिस्सा देखेंगे ना, ये शिवालिक का ही हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा क्या है, शिवालिक का हिस्सा पाया जाता है। बिहार के उत्तर में जो हिमालय पार्ट है, हिमालयन रेंज है, उसका कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, आप कमेंट्स करके बताइए, मैंने तो अभी आपको बताया। तो उत्तर में जो हिमालय का जो क्षेत्र पाया जा रहा है वो कौन सा है, पहले क्या होगा, बृहद हिमालय। हिमालय भी तीन रेंज में है, एक दो तीन, पहला बृहद हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक। तो उत्तर में जो हिस्सा पाया जाता है बिहार के, जो नेपाल है, वहाँ पे हिमालय का कौन सा रेंज आता है, तो शिवालिक वाला रेंज आता है, याद रखिएगा। अब इतना चीज़ें मैंने आपको बता दिया, इसको रिवाइज करिएगा, इस वीडियोस को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपके एक क्वेश्चन तो पक्के हैं कि आपको मिलेंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा खनिज कुछ है नहीं और ये चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि पठार नीचे से ऊपर जा नहीं सकता, ज्योग्राफिकल कंडीशन कभी चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते हैं ना कि भूगोल कभी नहीं बदलता, लेकिन इतिहास बदलता रहता है। क्यों इतिहास बदलता क्यों रहता है, क्योंकि लिखने वाले की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है वो क्या सोच के लिखा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, धन्यवाद। चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास में आपका स्वागत है, और आज की आपकी वॉइस की भी समस्या आज से आप खत्म हो जाएगी, तो आप क्लास को पूरा करिए और क्या नाम है, मन लगा के आप पढ़ाई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, सबसे पहले आरंभ गुरु में आपका स्वागत है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे लाते रहेंगे बीपीएससी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही है। आज हमारा बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास का ये दूसरा वीडियो है। ये कौन सा वीडियो है, बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास का ये दूसरा वीडियो है, और इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, कुछ आंदोलन, कुछ विद्रोह जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ते हैं बीपीएससी के प्री और मेंस का, तो उसमें देखते हैं कि आंदोलन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इस आंदोलन के बारे में बात करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस आंदोलन के बारे में करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास का ये मेरा दूसरा वीडियो है बिहार स्पेशल को लेके, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बहावी आंदोलन पूछ लेता है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बहावी आंदोलन के नेता कौन थे, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन थे, सैयद अहमद और राय बरेली से उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। देखिए बहावी आंदोलन जो था ना, बहावी आंदोलन क्या था, क्या नाम है, ये ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। सितना, ये जो सितना पाकिस्तान में है वहाँ पे उसका विरोध किया गया कई लोगों के द्वारा, पटना में भी कई लोगों के द्वारा विरोध किया गया। तो इसका मुख्य केंद्र क्या था, इसका मुख्य केंद्र एक पश्चिमी पाकिस्तान में था और एक पटना में था। इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद, और कौन थे, सर सैयद अहमद राय बरेली से। अब पटना में इसमें कौन कौन से लोग जुड़े थे, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो इसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो चलिए, पटना में लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया भावी आंदोलन का, और कौन कौन थे, इमादत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। कभी कभी अब जो बीपीएससी का ट्रेंड हो गया है ना, तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट बना के दे देगा कि बहावी आंदोलन के क्या नाम है, नेता कौन कौन से थे। आप क्या बोलेंगे, बहावी आंदोलन के नेता कौन कौन से थे, तो पटना से कौन थे, लियाकत अली थे, इनामत अली थे, फरहत अली थे, मोहम्मद हुसैन थे, और 1813 में इसका दमन कर दिया गया, 1813 में इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इस आंदोलन का दमन अंग्रेजों के द्वारा 1863 में अम्बेला अभियान के उद्देश्य में दमन कर दिया गया। अब देखिए होता क्या है कि ये इस आंदोलन की खासियत क्या थी, कि यह आंदोलन जो था ना, ये क्या था, पाकिस्तान में भी चल रहा था और पटना में भी चल रहा था, हालांकि भारत में भी चल रहा था, लेकिन पूछता है इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, पूछता है बहावी आंदोलन में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो ये 19वीं सदी में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 19वीं सदी में, ब्रिटिश शोषण का शिकार होने के कारण इस आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। सबसे पहली बात, 19वीं सदी बोलते किसको, 1801 से लेकर 1899 तक का जो कार्यकाल होता है, जो समय होता है, उसको क्या कहते हैं, 19वीं सदी बोलते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पटना में लियाकत अली, इनामत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन, इन सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके जो प्रवर्तक कौन थे, सब सैयद अहमद थे। पूछता है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो आप क्या बोलोगे कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद, या फिर सैयद अहमद भी बोल सकते हैं आप।
फिर उसके बाद अगला जो है नूनिया विद्रोह, ये क्या है, सोरा उत्पादन करने वाली एक जनजाति थी, जहाँ पे सोरा उत्पादन होता था वहाँ पे क्या करने वाली एक जनजाति थी, ये क्या करते थे, ये नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था, ये कब से कब तक चला था, 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था, सन 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था, और ये सोरा उत्पादन करने वाले लोग थे, जो नूनिया लोग थे, नूनिया वर्ग के जो लोग थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश का विरोध करते थे, और ये आंदोलन क्यों किए थे, सोरा उत्पादन के क्षेत्र में इन्होंने ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया था, इसीलिए इन सभी वहाँ के लोगों ने क्या किया था, एक आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ये एक और आंदोलन होता है आपको देखने को मिलता है बिहार में 1856 में मुजफ्फरपुर में, 1856 में मुजफ्फरपुर में एक आंदोलन देखने को मिलता है, लोटा विद्रोह, हाँ हाँ वही लोटा जो हम लोग पानी पीते हैं भरते हैं वही। तो लोटा विद्रोह में क्या था कि स्टील का लोटा लेकिन इनको मिट्टी का लोटा दे दिया जाता, तो ये लोटा विद्रोह शुरू किया गया था कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। थोड़ा अजीब है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिहार का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी का तो उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलिएगा, मैंने जितने भी बातें आपको कल बताई हैं उसको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपको एक बार रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि आपको नोट्स तो प्रोवाइड नहीं कराएंगे इसीलिए मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। चलिए अब देखिए होता क्या है, एक और जो बहुत बड़ा आंदोलन था गांधी जी का, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, उस दिन क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, और उस दिन तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भारत आने के बाद, महात्मा गांधी जी ने जब भारत आने के बाद अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनके गुरु जी ने उनसे कहा कि आप साल भर पहले भारत का भ्रमण करिए, वहाँ के हालचाल को समझिए, वहाँ के बात वहाँ के जो शोषण नीतियाँ हो रही हैं, यहाँ पे जितने भी विरोध हो रहे हैं किस कारण हो रहे हैं, यहाँ के आंदोलन, यहाँ की क्या नाम, पूरी जो कार्य प्रहार हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जो शोषण किया जा रहा है, जो अंग्रेज जो क्या कर रहे हैं, हमारा जो शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके बारे में आप पहले समझिए। तो गांधी जी 1915 में आते हैं, एक साल पूरे भारत का भ्रमण करके भारत का मुआयना करते हैं, फिर उसके बाद उनका सबसे प्रथम कोई आंदोलन था, प्रथम सत्याग्रह था भारत का, भारत में होने वाला गांधी जी का प्रथम कोई सत्याग्रह था, तो वो था चंपारण आंदोलन। कौन था, 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक क्या किया गया था, सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। उनका हर एक आंदोलन क्या होता था, सत्याग्रह होता था, मतलब कि अहिंसा के मार्ग पे चल के सत्य की प्राप्ति ही करना, उसको क्या करते थे, सत्याग्रह करते थे। गांधी जी का हर एक आंदोलन सत्याग्रह था। पूछे तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, भारत में पूछ रहा, अगर उसमें अफ्रीका का भी दे देना तो आप अफ्रीका को ही टिक मारेंगे, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम जो सत्याग्रह अफ्रीका में किया था, लेकिन पूछेगा कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण आंदोलन था। चंपारण क्या था ना, तीन कठिया, जैसे मान लीजिए ये जो है तीन कठिया मतलब कि 20 कट्ठे की भूमि पे, क्या 20 कट्ठे की भूमि अगर पे अगर आपकी है तो उसमें से 3 कट्ठे पे आप किसकी खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे। तो नील की खेती का विरोध करते हैं राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बिहार बुलाया और उनसे समर्थन मांगा, और इस आंदोलन में गांधी जी बहुत ज़्यादा क्या नाम है विश्वस्तरीय प्रिय हुए और उन्होंने इस आंदोलन के जरिए क्या कि ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो गांधी जी का सबसे सफल आंदोलन कोई पूछा जाता तो कहता था क्या था, चंपारण आंदोलन था। किसके ऊपर था, 3 कट्ठिया नील की खेती के ऊपर। तो अगर आपके पास 20 कट्ठे की जमीन है तो आपको 3 कट्ठे पे क्या करनी होगी, नील की खेती करनी ही करनी होगी। अगर आप नील की खेती नहीं करते हैं, बाई चांस आप मान लीजिए अगर आप नील की खेती नहीं करते हैं तो होता क्या था कि वो जबरदस्ती आपसे नील की खेती कराते थे। तो इस नील की खेती का विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इस चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। राजकुमार शुक्ल जी के बुलाने पे वो कहाँ गए थे, वो चंपारण गए थे, और उसके बाद यह आंदोलन सफल हुआ था और गांधी जी फेमस हो गए थे। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल किए, फिर खेड़ा किए, फिर गांधी जी बन गए। ठीक, तो अब ये देखिए भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ पे था, बिहार में था। ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्या है, दरभंगा विद्रोह। ये विद्रोह किस लिए फेमस था, दरभंगा विद्रोह। अब जानते हैं दरभंगा विद्रोह के बारे में कि इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी।
ये 1919 से आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी कि 1919 में और क्या क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था, भारत सचिव कौन था, माउंटेंगू था। तो आपको कड़ी से कड़ी जोड़ के आपको इसको याद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। अगर मैं आंदोलन आपको बता रहा हूँ तो 1919 में जितने भी कांड हुए ना, उनको आप एक जगह लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे, फिर उसके बाद कार्य करेंगे। आंग्ले के लिए और सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी, सब कहां हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919 में किया गया था। अब देखिए होता क्या है, मधुबनी क्षेत्र में क्या होता था, मधुबनी क्षेत्र के किसानों ने विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा में महाराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्या लिखा हुआ है इसमें कि मधुबनी क्षेत्र के किसानों ने विद्यानंद एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में दरभंगा के महाराज के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। उसीलिए क्या कहते हैं, दरभंगा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, दरभंगा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन में पूछता है कि दरभंगा विद्रोह किसानों ने किसके विरोध में किया था, तो क्या बोलेंगे, महाराजा कौन थे, वहां के जो दरभंगा के महाराज थे उनके विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी, बोलेगा कि मधुबनी क्षेत्र के किसानों ने दरभंगा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप क्या बोलोगे कि दरभंगा क्षेत्र के जो किसानों ने विद्यानंद के नेतृत्व में कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी, ये दरभंगा आंदोलन की। कब हुआ था, 1919 में। फिर उसके बाद किसान सभा का गठन किया जाता है, किसान सभा। अब देखिए किसान सभा से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, तकरीबन बिहार के 70% भूमि पर क्या होती है, खेती की जाती है। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे जुड़े क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया, सर्वप्रथम 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। चलिए इसी तरह शूट कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरभंगा के किसानों ने 1919 ईस्वी में किसका विरोध किया था, वहाँ दरभंगा के जो महाराज थे उनका विरोध किया था। किसके नेतृत्व में किया था, क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके नेतृत्व में किया था। सबको पता है किसान आंदोलन 1919 में हुआ था, दरभंगा किसान आंदोलन 1919 में हुआ। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किसके नेतृत्व में किया था, तो क्या बोलेंगे, जो विद्यानंद जी थे उनके नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब मैंने आपको बात बताई थी किसान सभा की, तो किसान सभा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि किसान के लिए आए दिन बिल पे मुद्दा चलता रहता है, जैसे कि इस समय किसान आंदोलन चल रहा है। तो इसमें पूछता है कि सर्वप्रथम मुंगेर में किसान आंदोलन का गठन कब किया गया था, तो सर्वप्रथम मुंगेर में किसान आंदोलन का गठन कब किया गया था, तो सर्वप्रथम मुंगेर में किसान आंदोलन का गठन 1922-23 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन ये पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इस किसान आंदोलन का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1922-23 में, किसमें, 1922-23 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन इससे क्या बनता है, इसमें मालूम है बहुत सारी रणनीतियां चल रही थी, कई लोग समर्थन कर रहे थे, कई लोग समर्थन नहीं कर रहे थे। अब होता क्या है कि किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा 1928 में किसका गठन किया गया था, किसान सभा का औपचारिक गठन किया गया था। किसका गठन, औपचारिक गठन, मतलब कि औपचारिक रूप से बोल दिए थे कि इस किसान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन कुछ तख्ता तबूत नहीं किए थे। जैसे कि हम जैसे होता है कि कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो बोलते हैं कि अरे हम खरीद लेते हैं, पैसा होता तो खरीद लेते, तो औपचारिकता निभाते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी की शादी में गए, सम्मिलित नहीं हुए, गए घूम फिर के आ गए, बस चेहरा दिखा दिए, उसका न कुछ कार्य किए ना खाए पिए, क्या निभा दिए, औपचारिकता निभा दिए। तो उसी तरीके से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में 1929 में वितरित रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। बात कब हुई थी, 1928 में, एक साल बाद मेरी बात माने। पहले कहे थे कि हम आपका काम परसों कर देंगे, लेकिन किए कब, 10 दिन बाद किए, औपचारिक रूप से बोल दिए कि इस जैसे यूएन की बात हो गई, 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, फिर बोले थे कि क्या नाम है, लीग ऑफ नेशन को समाप्त कर देना चाहिए। जैसे कि आप पढ़े होंगे, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लीग ऑफ नेशन था 1990 के बाद में जाकर वो समाप्त हुआ। तो उस समय बोले थे कि जितने भी कॉलोनीज एरिया हैं उनको समाप्त करने के लिए एक गठन किया जाएगा एक संस्था का। उसके
बाद एक साल बाद 1945 में यूएन का गठन होता है। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है। उसी तरीके से इसमें क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में किसान सभा का गठन करने की बात कही गई 1928 में, लेकिन 1929 ईस्वी में इसका विस्तृत रूप से गठन किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा किस आंदोलन से। देखिए इस आंदोलन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और इसको आप अच्छे से वीडियोस को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, जेपी आंदोलन। आप सुने होंगे कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जो चल रहा था वहां पे बिहार में, जेपी आंदोलन आप इसके बारे में सुने होंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के विरोध में जेपी आंदोलन चल रहा था। तो ये उससे जड़ें इसकी जुड़ती हैं। आगे चल के देखिए क्या हो गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, तो 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में, 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष पूछता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। और पूछेगा सचिव कौन थे, तो सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। अब जिसको अध्यक्ष और सचिव पूछना हो वो मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास करे, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स बताने वाला नहीं हूँ। अब देखिए होम रूल लीग, देखिए 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, होम रूल लीग की। अब देखिए होम रूल लीग की इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, 1916 में तीन चीजें हुई थी, जैसे कि एक क्या हुआ था, नरम दल गरम दल एक हो गए थे, मुस्लिम लीग भी आके सम्मिलित हो गई थी, जो अधिवेशन हुआ था कौन सा अधिवेशन, क्या नाम है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता के नाम से जो जाना जाता है, 1916 का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। उसमें क्या हुआ था, नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग सब आके एक हो गए थे, फिर बोले थे कि अब हम किसान अब क्या करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। उसी समय एक आयरिश महिला थी, कौन, श्रीमती एनी बेसेंट, वो भारतीय नहीं थी, वो आयरिश महिला थी, लेकिन उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। तो आयरिश महिला के नेतृत्व में एक किसका गठन किया गया, होम रूल लीग का गठन किया गया 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग का गठन किया गया एनी बेसेंट के द्वारा कहाँ पे, मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में, जानते हैं ना पुणे महाराष्ट्र वहीं पे। अब देखिए होम रूल लीग से आपको तीन चार चीजें याद रखनी है। पहला, होम रूल लीग का गठन कब किया गया, 1916, किसने किया, श्रीमती एनी बेसेंट ने कहाँ पे किया, मद्रास में, मद्रास वही, अभी आप जाएंगे मैप देखेंगे, फिजिकल या पॉलिटिकल मैप ले लीजिए, उसमें दर्शाया करिए कि मद्रास कहाँ है, बंगाल कहाँ है। तो मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया, और पुणे में उकोल बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। 1916 में ही क्या होता है, लखनऊ पैक, लखनऊ समझौता, लखनऊ क्या नाम है गेन के नाम से जाना जाता है, तीन चार चीजों के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था, गरम दल नरम दल एक हो गए थे, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने तीन चार बार आपको रिपीट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, महरूल हुलक द्वारा पटना में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई। अब बीपीएससी स्पेशल है ये वीडियो, तो इसमें क्या होगा, आपसे पूछेगा कि पटना में भैया किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो आप क्या बोलेंगे, पटना में किसके द्वारा, मजहूर हुलक द्वारा कहाँ पे, पटना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो तीन चार क्वेश्चन इससे आपसे बन जाएंगे। और फिर गांधी जी का असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी का ये सबसे बड़ा और सबसे प्रथम असहयोग आंदोलन था। मतलब क्या करेंगे, हम अंग्रेजों की नीतियों को, अंग्रेजों के जो कानून होते हैं उनको प्रेम से तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम जाएंगे पापा के पास अपने और बोलेंगे पापा हम होमवर्क नहीं करेंगे, पापा पार से नहीं मारेंगे फिर भी हम कहेंगे होमवर्क नहीं करेंगे, क्यों। ये होता क्या था, गांधी जी का जो आंदोलन होता था ना, विनती करते थे, निवेदन करते थे, ये लोग क्या करते थे, भीख मांगने वाली संस्था, इसको कई लोगों ने बोला, बाल गंगाधर तिलक खुद बोले कि कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। कर्जन क्या बोला है कि मेरी दिली इच्छा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, मैं उसे मरते हुए देखूं, कौन बोला है, कर्जन बोला है। अब देखिए होता क्या है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में की जाती है। 1920 में आंदोलन की शुरुआत की जाती है, आंदोलन बहुत अच्छा खासा चल रहा होता है, लेकिन इनका इसमें स्वप्न रहता है कि हम क्या करेंगे, एक साल में स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे या फिर दो स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आंदोलन बहुत अच्छा चलता है, क्या होता है, इसमें स्वदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाता है, स्वदेशी अस्पतालों का बहिष्कार किया जाता है, जितने भी विदेशी जो अस्पताल थे, जितने भी विदेशी कॉलेज थे, जितने भी विदेशी चीज़ें होती थी, यहाँ तक विदेशी चीनी का भी बहिष्कार किया जाता था। अब क्वेश्चन, अब कभी कभी तो सुन के भी अजीब लगता है, भैया मंदिर में तुम जा रहे हो, ठीक, अब तुमको कैसे पता कौन सी देसी चीनी है कौन सी विदेशी चीनी है, तो क्या मंदिर से प्रसाद मिलता था तो पूछते थे भैया देसी चीनी का है कि विदेशी चीनी का है, तो ये सब तो मूर्खता वाला क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है।
तो अश्वमेध आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सभा का समर्थन मिला इसको, और शहाकत महरूल लक के द्वारा इसका समर्थन किया गया। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए 1927 में। देखिए 1919 में क्या कहा गया था कि 10 साल में, हर 10 साल में ब्रिटेन संसद जो है कानून पास करके भारत भेजेगी। 1919 में कहा गया था कि हर 10 साल में ब्रिटिश संसद जो है 10 साल में कानून पास करके भारत भेजेगी और भारतीयों को उसको अमल करना होगा। लेकिन ये जो साइमन कमीशन है ना, ये क्या हो गया 1927 में, दो साल पहले आ गया था। अब मान लीजिए 1919 का कानून था, बोले थे 10 साल बाद आ गया, और 1927 में ही साइमन कमीशन भारत आ गया। 1927 में ही भारत क्या हो गया, साइमन कमीशन भारत आ गया, और उसमें एक भी भारतीय नहीं था। सीधे सीधे से हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीयों के भाग्य का निर्धारण कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। उसी समय सांडर द्वारा डंडे से पीट पीट कर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। तो इसकी जड़ें वहां से भी जुड़ी हुई है। तो साइमन कमीशन कब भारत आया, 1927 में। 1928 में उसका विरोध करना शुरू किया गया, मदर लैंड अखबार का प्रकाशन उसी समय किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और बिहार में इसका विरोध ए एन सिंह द्वारा किया। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया, ए एन सिंह द्वारा किया। तो इसको आप एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा दो तीन बार, आपको जरूर एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई आंदोलन नहीं है बीपीएससी में। अगर बीपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो इस वीडियो को कन्फर्म है आप एक बार दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि आंदोलन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारे सिलेबस में भी लिखा, प्री के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस दोनों में लिखा हुआ है कि आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे आएंगे। आप चाहे तो 66 का पेपर उठा के देख लो, आप चाहे तो 65 का पेपर उठा के देख लो, उनसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम खत्म करते हैं, और थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, आई होप आप लोग मैनेज करेंगे, और जो वॉइस की समस्या थी अब दूर हो चुकी है। तो आप मन से क्लास करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। चलिए दो दिन से अंधेरे में ही शूट हो रहा है, आज भी ट्राई करते हैं। ठीक, तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आराम गुरु में, और मेरा नाम शंकर कुशवाहा है, जैसा कि आप सभी जानते ही मेरे बारे में। ठीक है, फालतू का मैं चैट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग क्या चल रहे हैं इस समय, बीपीएससी रिविजन सीरीज चल रहा है, बीपीएससी रिविजन सीरीज चल रही है। ये बीपीएससी रिविजन सीरीज है, इसको डीप वीडियो भी समझ सकते हैं, बीपीएससी रिविजन सीरीज भी समझ सकते हैं। थोड़ा डेप चलूंगा क्योंकि बहुत चीजें कवर करानी है। जब सब कुछ मैंने पढ़ा दिया ऑन द सिलेबस, ठीक, जो सिलेबस मैंने ग्रुप में आपको भेजा था उसके अनुसार मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका है, मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, मैंने सब चीज कंप्लीट कराया है, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल भी मैंने कंप्लीट कराया है। यहाँ तक कि मैंने वन ईयर की करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कराया है, बिहार के भी करंट अफेयर्स और इंडिया के भी करंट अफेयर्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपका रिविजन करा सकूं, दो क्लास तीन क्लास जितनी हो सकती है मेरे से मैं रोज आपको दूंगा, उससे आपका क्या होगा, रिविजन होगा, और रिविजन होगा तो उससे आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बीपीएससी का ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा, ठीक, रिवीजन ही सीरीज चलनी थी। ठीक, तो बीपीएससी में हम बात करते हैं, ठीक है, बंगाल की बात करते हैं रिवीजन सीरीज में, हमारा बिहार के इतिहास में हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में बात करते हैं, बिहार के इतिहास में। ठीक, तो बिहार के इतिहास में हम शुरुआत करते हैं बिहार का और बंगाल। अब देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं किस बारे में, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। जब यूरोपीय कंपनी आई, सबसे पहले भारत में आने वाली कोई यूरोपीय कंपनी थी तो कौन थी, पुर्तगाल थी, फिर डच थी, फिर अंग्रेज थे, फिर फ्रांसीसी थे, बारी बारी करके आए और बारी बारी करके अपना आधिपत्य तो उन्होंने जमाया। लेकिन धीरे धीरे करके सबको परास्त करने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसने पहले पुर्तगालियों का सफाया किया, फिर उसके बाद डचों का सफाया किया, फिर उसके बाद लास्ट में उनके उसको टक्कर कोई दे रहा था तो फ्रांसीसी थे, उनको भी बैटल ऑफ वांडीवॉच में उन्होंने समाप्त कर दिया, जो 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब उससे पहले की कहानी हम लोग बिहार में जान लेते हैं कि बिहार और बंगाल का नाता क्या है। ठीक, जैसे 1760 में, जैसे ही देखिए जो 1707 जो होता है, ठीक, इसमें क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब का जीता हुआ जितना भी इलाका रहता है अलग अलग जगह पे, वहां पे अलग अलग जो शासक रहते हैं अपने आपको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूँ अवध की, तो वहां पे कौन था, निजामुल मुल्क चिंग, सॉरी यहाँ पे हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद में अपने आपको स्वतंत्र कौन घोषित किया कर दिया, हैदराबाद का जो नवाब था आप जानते हैं, सॉरी नवाब में बोल रहा हूँ, शासक था उसका नाम था निजामुल मुल्क चिंग किलीज खान। ठीक, हैदराबाद आजाद हो गया। ठीक,
फिर उसके बाद हम अवध में चले गए यूपी वाले इलाके में, तो यहाँ पे शहादत खान इसको आजाद कर देता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। अगर मैं बंगाल करूँ तो बंगाल में मुर्शिदकुली खान रहता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसी तरीके से कर्नाटक में भी एक शासक उभर के सबके सामने आता है जिसका नाम रहता है हैदर अली, वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। धीरे धीरे करके सभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लीजिए, जस्ट, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो धीरे धीरे करके सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको क्लियर ही दिख रहा होगा, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। धीरे धीरे करके अपने आप को सब स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए बंगाल की जो कहानी है, बंगाल का कहानी ऐसा है कि उसकी जो बंगाल का प्रथम जो नवाब बना था उसका नाम था मुर्शिदकुली खान। फिर उसके बाद जो अगला जो फेमस नवाब बनता है उसका नाम रहता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान करीब 1733 में कहां था बंगाल का नवाब बनता है, ठीक। इसकी खुद की कोई संतान नहीं रहती है, तो उसके एक जमाए रहते हैं, उनका नाम रहता है सिराजुद्दौला। वो सिराजुद्दौला क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। अपनी गद्दी ये छोड़ के किसको दे देते हैं, सिराजुद्दौला को दे देते हैं। सिराजुद्दौला के से भी उसका भी कोई भी दमाद नहीं रहता है, ठीक। सिराजुद्दौला का भी कोई दमाद नहीं रहता है, और सॉरी सिराजुद्दौला का भी कोई बेटा वगैरह नहीं रहता है, लेकिन उसकी रणनीति बहुत अच्छी रहती है। वो क्या नाम है, अंदर अंग्रेजों का थोड़ा सा हस्तक्षेप भी करता है, जिसे हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो 1756 में हुई थी, ठीक। काल कोठरी की घटना के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, चुंगी दिखा दिखा के टैक्स सामान अपना बेचते थे, और उसके टैक्स रेवेन्यू में कमी आ गई थी। तो सिराजुद्दौला ने अल्टीमेटम दिया था अंग्रेजों को, ठीक। अंग्रेजों को अल्टीमेटम देने के पश्चात उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने क्या कूटनीति का इस्तेमाल किया। कूटनीति का मतलब समझते हैं कि तलवार से नहीं, तीर से नहीं, दिमाग से उसने परास्त करने की कोशिश की। उनका जो एक शासक रहता है, इसका जो सेनापति रहता है, सिराजुद्दौला का एक सेनापति रहता है, उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है मीर जाफर। उसको अपने साथ मिला लेते हैं, बोलते हैं भैया तुम मेरा साथ दो, हम तुमको क्या कर देंगे ना, बंगाल का नवाब बना देंगे। और भैया उस समय इस समय लोगों को किसकी चाह रहती है, मनी की चाह रहती है, पैसे की चाह रहती है। और पैसे और मनी की चाह में उसने क्या किया, अपने जो नवाब था सिराजुद्दौला उसको धोखा दिया। और तत्पश्चात क्या हुआ, उनके बीच समझौता हो गया, और इसकी सेना ने इस पार्टिसिपेट नहीं किया प्लासी के युद्ध में, और सिराजुद्दौला हार जाता है। तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि 1733 में अलीवर्दी खान बिहार का नवाब बनता है, ठीक। बिहार यानी बंगाल का नवाब बनता है 1733 में। फिर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जो मैंने बताया आपको कि मीर जाफर की कारिस्तानी के कारण, मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला को युद्ध में परास्त होना पड़ता है, ठीक। युद्ध में परास्त होना पड़ता है। फिर उसके बाद एक युद्ध हो जाता है, फिर नवा नवाब बोलकर बन जाता है, नया नवाब हमारा बन जाता है कौन, मीर जाफर। कौन बनता है, मीर जाफर, ठीक। इसको बोलते थे कठपुतली नवाब के नाम से जाना जाता था, इसको कठपुतली नवाब के नाम से भी जाना जाता था। ये एक नंबर का धोखेबाज था और अंग्रेजों का पपेट था, कुत्ता नहीं होता है कि ओ उठ जाओ यहाँ और बैठ जाओ यहाँ, तो इस तरीके का काम वो किए करते थे। किसके साथ, मीर जाफर के साथ, ठीक। और मीर जाफर तो था ठहरा एक नवाब। देखिए आप कितना भी घटिया नवाब हो, कितना भी कुत्ता नवाब हो, कितना भी हरामखोर नवाब हो, लेकिन वो प्रजा के सामने तो एक राजा होता है ना। अब प्रजा के सामने तुम उसकी बेइज्जती करोगे तो उसको तो अच्छा लगेगा नहीं। तो धीरे धीरे इसने भी क्या किया, बात मानने से मना कर दिया अंग्रेजों की। अंग्रेजों की बात मानने से इसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जब इसने अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया, तो इनके एक समाज रहते हैं भैया, उनका नाम रहता है मेटका सिंह, लेकिन वो पढ़ा लिखा रहता है, समझदार रहता है, ठीक। तो ये पहले ये लोग क्या करते हैं, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी, जैसे ही मीर कासिम नवाब बनता है, इनको गद्दी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अंग्रेजों का थोड़ा सा विरोध करने लगे थे, तो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया। सब इसका दमाद था, और भी आराम था, दमाद साहब आने हटो यहाँ से, ठीक। हटो क्या, हटना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज बनाए थे उनको, ठीक। तो मीर कासिम क्या करता है, सबसे पहले अंग्रेजों से दूरी बनाता है। मीर कासिम सबसे पहले अंग्रेजों से दूरी बनाता है। उस दूरी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल कहाँ ले जाता है, मुंगेर ले जाता है। मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल को वो कहाँ लेके चला जाता है, मुंगेर लेके चला जाता है। अब देखिए बात इतनी सी नहीं है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी हस्तांतरित किया, तो क्या एक फायदा क्या हुआ, उसके टैक्स कलेक्शन में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई। उसको अंग्रेजों से दूर रहने का एक फायदा हुआ कि अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना पड़ता था, अंग्रेजों की बात नहीं माननी पड़ती थी। अब अंग्रेजों के राजस्व में कमी आने लगी, अंग्रेजों के पैसे वसूलने में कमी आने लगी, तो अब अंग्रेजों ने सोचा कि ये हमारे साथ रणनीति कर रहा है, इसको फिर हटाओ, इसको बढ़ाओ। फिर से इसको हटा के फिर मीर जाफर को बना देते हैं नवाब, ठीक। अब क्या होगा, अब तो मीर जाफर तो मानने वाला तो है नहीं, तो मीर जाफर क्या करेगा, अवध के नवाब के पास जाएगा, सुजाउद्दौला के पास, और शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल बादशाह रहते हैं उनके पास, अपनी तीनों की सेना को तैयार करता है, और बक्सर के मैदान में मिलता है, और बक्सर के मैदान में इनको करारी शीशा टक्कर देता है, लेकिन तत्पश्चात ये लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं।
इनकी तीन ओर रहते हैं और उधर एक अंग्रेज रहते हैं। अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ता हुआ जो व्यक्ति रहता है उसका नाम रहता है हट्टन मुनरो, ठीक। और अगर प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से कोई लड़ाई लड़ा था तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, उसे कहते थे ना स्वर्ग से आया वो फरिश्ता कहते थे, ठीक। इतना काबिल था वो, एक क्लर्क से एक नवाब तक पोस्ट तक पहुंचा वो, इतना काबिल था वो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। फिर होता क्या है, 17 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर का युद्ध हो गया तो इसके बाद इसके ऊपर जुर्माना थोका जाएगा, पहला जुर्माना थोका जाएगा शाह आलम द्वितीय के पास, ठीक, जो मुगल बादशाह रहते हैं। फिर उसके बाद शुजाउद्दौला अवध के जो नवाब रहते हैं, पहला क्या होता है जब मुगल बादशाह के ऊपर जुर्माना थोका जाता है तो उसमें होता क्या है, जैसे मुगल बादशाह के ऊपर जुर्माना थोका जाता है तो उसमें होता क्या है कि बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी हाथ किसको सौंप दी जाती है, अंग्रेजों को सौंप दी जाती है। और कार्यभार किसको सौंप दिया जाता है, राजा महाराजा को, कि भैया कलेक्शन तो कोई और करेगा रेवेन्यू का, ठीक, लेकिन जो देख रेख है पूरी प्रजा की देख रेख वो कौन करेगा, राजा करेगा। तो इस तरीके से मतलब हरामखोरी टाइप का ये लोग नियम लेके आए थे, ठीक। तो फिर उसके बाद 1764 में 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां होती है, किसके साथ होती है, अवध के नवाब के साथ, एक होता है किसके साथ, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। अवध के नवाब रहते हैं शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह रहते हैं शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि भी होगी, इलाहाबाद की संधि को करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को नहीं सॉरी रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है, वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने द्वैत शासन की शुरुआत की थी। बाद में रॉबर्ट क्लाइव के जाने के पश्चात जब वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो वो क्या करता है, द्वैत शासन का अंत करता है। ये डिवीजन सीरीज है, इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ज्यादा हम लोग ताम झाम नहीं करेंगे, ठीक। फिर गुरु नानक देव और तेज बहादुर ने बिहार का भ्रमण किया था, गुरु नानक देव और गुरु तेज बहादुर ने क्या किया था, बिहार का भ्रमण किया था। अब ये तेज बहादुर से याद रख लीजिए कि गुरु तेज बहादुर को, ठीक, ये सिखों के नौवे गुरु थे, इसको औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी, इनको औरंगजेब के द्वारा, गुरु अर्जुन देव, हाँ, इनको फांसी दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, सिखों के नौवे गुरु को फांसी गुरु तेज बहादुर के द्वारा, तेज बहादुर को फांसी औरंगजेब के द्वारा दी गई, और सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, तो इसको भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक। बिहार का भ्रमण किया किसने, गुरु तेज बहादुर ने, गुरु नानक ने, ठीक। अब गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था, इसलिए वहां पे क्या हुआ, हरमिंदर साहिब का निर्माण उन्होंने करवाया था, ठीक। 1666 में पटना में किसका जन्म हुआ है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक। 1776 में ये गुरु बने और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चार पांच चीजें रखनी है, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, सन 1666 ईस्वी में, कब 1676 में ये क्या बने, वो सिख गुरु बने। फिर 1708 में इनकी नांदेड़ महाराष्ट्र में हत्या कर दी जाती है, 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके साथ हम लोग यहाँ की कहानी को खत्म करते हैं, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक। आधुनिक बिहार के इतिहास रिविजन सीरीज है, पूरी तरीके से मैं समर्पित कर रहा हूँ रिविजन सीरीज को, कि रिविजन हम लोग कराने, पूरा वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया, सब कुछ कंप्लीट करा दिया, वैसे ये रिविजन सीरीज चल रही है, बात को ध्यान से सुनते हुए चलिए। कंपनी का आगमन, बिहार में आने वाली सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी थी, क्योंकि सबसे पहले भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी अगर पुर्तगाली थी तो बिहार में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी होगी, पुर्तगाली होगी। बिहार सोडा उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, बिहार होता हमारा सोडा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, इसलिए बिहार में लोग कब्जा करना चाहते थे, ठीक। 1632 में डचो ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी, पटना में खोली थी। 1632 में डचो ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में खोली थी, 1632 में डचो ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में खोली थी, ठीक। 1620 में अंग्रेजों ने भी प्रयास किया लेकिन इस सफलता हमको 1651 में मिली, ठीक, जब 1717 में फर्रुख शेर का कार्यकाल आता है, ठीक ठीक। क्या नाम, 1717 में फर्रुख शेर का कार्यकाल आ जाता है, जानते हैं कि अगला जो क्या नाम मुगल बादशाह बन जाता है फर्रुख शेर बन जाता है। जैसे कि क्रम आपको याद करना हो तो आप अपना याद कर सकते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, जहांदार शाह, बहादुर शाह, फिर फर्रुख शेर, इस तरीके से आप अपना याद करना होगा, कर लीजिएगा, वो सब क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे, ठीक, इतना ईजी, ठीक। फिर उसके बाद कुछ जनजाति विद्रोह भी होते हैं बिहार में, कुछ जनजाति विद्रोह जैसे कि तमार विद्रोह 1789-94 के बीच होता है, चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में होता है, हो विद्रोह सिंह भूमि की भूमि पे धरती पे 1820-21 में, कोल विद्रोह छोटा नागपुर वाले पठान में होता है 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। फिर इसका दमन किया जाता है, क्या नाम, इसके जो प्रवर्तक रहते हैं, इनके जो नेता रहते हैं सिंधु कानू चांद भैरव, ठीक, ये जो संथाल विद्रोह रहते हैं इनके जो प्रवर्तक और नेता जो रहते हैं उनका नाम है सिद्धू कानू चांद भैरव, सिद्धू कानू चांद भैरव इनके प्रवर्तक और नेता रहते हैं, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से एकदम समझ लीजिएगा और रख लीजिएगा, ठीक, और आगे बढ़ते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे सब जानते हैं, बिरसा मुंडा थे, 1895 से 1900 तक ये चला था, 1895 से 1900 तक ये चला था, 1900 ये 1900 है ना कि 900, 1895 से 1900 तक ये विद्रोह चला था।
कौन सा विद्रोह मैंने बताया, मुंडा विद्रोह, और उसके प्रवर्तक कौन थे, बिरसा मुंडा थे। छोटा नागपुर का पठार का इलाका था जो आप जानते हैं कि झारखंड वाले इलाके में समर्पित है, इस समय मतलब झारखंड में चला गया। ठीक, ताना भगत विद्रोह, ठीक, जत्रा भगत विद्रोह, इसका नेतृत्व किए थे, ये गांधीवादी विचारधारा पे आधारित था, ये अहिंसा के मार्ग पे थे, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ये विद्रोह को जाना जाता था, इसलिए गांधीवादी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, 1857 में कंपनी का क्या हाल था, ठीक, 1857 में बिहार का क्या हाल था, 1857 में, ठीक, 12 जून 1857 को रोहिणी के एक पुस्तक विक्रेता थे जो पटना में पड़ता है, उनके नेतृत्व में पटना में क्रांति की शुरुआत हुई, जिनका नाम था पी लली। रोहिणी के एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पी लली, उनके नेतृत्व में पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद दानापुर छावनी पे जाके सैनिकों ने क्या किया, हमला किया, और फिर उसके बाद वहां के जो जमींदार थे बापू कुंवर सिंह, उनको अपना नेता चुना। ठीक, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई या उनके बेटे, जो भी कहा जाता है आप याद कर लीजिएगा कि भाई हैं कि बेटे हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन देखने को मिलता है, कई जगह भाई देखने को मिलता है, कहीं बेटे देखने को मिलता है, आप भाई मान के चलिए। उनके जो भाई थे उनका नाम था अमर सिंह, उन्होंने उसका नेतृत्व संभाला। जब किसकी मृत्यु हो जाती है, कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी चीजें आप रिवीजन के तौर पर बार 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 दो तीन बार पांच बार छह बार सात बार आठ बार जितना भी पढ़ना हो जितना भी लिखना हो इसको आप कर लीजिएगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ये पूरा का पूरा एकदम अच्छे से लिखा हुआ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा, ठीक, पार्ट थ्री भी आएगा, रिवीजन थ्री चल रही है। अब हम लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम लोग फिर से कोई चीज को पढ़े, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप रिवीजन के तौर पे पढ़िए और अपने से भी पढ़ते रहिए। ये मेरे ऊपर निर्भर मत हो जाइएगा कि मैं पूरे तरीके से आपको जो बता रहा हूँ वही आ जाए, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आ जाए, हाँ लेकिन आना तो यही है, अगर हमसे नहीं हुआ तो किसी से भी नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि हमने सिलेबस को कम्प्लीट किया है, हमने सिलेबस को कम्प्लीट किया है, हमने हवाबाजी नहीं की है। ठीक, धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ क्या लेके आएंगे, बीपीएससी स्पेशल लेके आएंगे। तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए बिहार की कहानी आपको मैं बताता हूँ कि बिहार जो था पहले एक मगध साम्राज्य का एक इच्छा था, मगध साम्राज्य था वहीं पे जाके बसा हुआ था, जो हम लोगों का मगध साम्राज्य था वहीं पे जाके बसा हुआ था। तो वहाँ पे जैन धर्म का भी उदय हुआ था, फिर बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था, तो फिर वहाँ पे बौद्धों के बहुत ढेर सारे मठ थे, मतलब कि रहने के जो जगह थी उनको क्या कहते थे, विहार कहते थे। बौद्ध बौद्ध भिक्षु जहाँ पे जिस स्थान पे निवास करते थे, जिस स्थान पे रहते थे, तो उस स्थान को क्या कहते थे, उसके स्थान को कहते थे क्या नाम है, विहार। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को कहा जाता था विहार। तो विहार विहार कहते कहते विहार का नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। तो आप चलिए बिहार के जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि बिहार, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, पहले ये बिहार जो था बंगाल का ही हिस्सा था। ठीक, जो दिल्ली दरबार लगा था जो 1911 में, उसमें घोषणा की गई कि बंगाल से पृथक करके एक नया क्या बनेगा, एक राज्य बनाने की घोषणा की गई। कब, 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा था, जब लॉर्ड हार्डिंग आए थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड आए थे, ठीक, जिस समय अकाल पड़ा था उसी समय 1911 में ही क्या राजधानी भी परिवर्तित करने की बात कही गई थी, क्या कही थी, राजधानी भी परिवर्तित करने की बात कही गई थी, घोषणा की गई थी 1912 में, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा के दिल्ली कर दी गई थी। तो उसके बाद हुआ क्या, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन, उसको रद्द किया गया और बंगाल से एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई। अब देखिए होता क्या है कि 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग होके एक नया राज्य बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। ठीक, 1912 में याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 में बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद भी हो जाना चाहिए, इसी वीडियो में याद करेंगे, बहुत हो चुका क्या नाम है टाइम पास, अब हम लोग एक ही वीडियो में याद करेंगे बिहार स्ट्रैटेजी के बारे में, क्रम से मैं चैप्टर लेके आता रहूंगा। तो 1 अप्रैल 1912 से बंगाल से पृथक होकर एक नया राज्य बना, उसको क्या कहते थे, बिहार कहते थे। बिहार में कौन कौन सम्मिलित था, झारखंड सम्मिलित था, उड़ीसा सम्मिलित था, ये सभी हिस्से किससे के थे, किसके थे, ये सब हिस्से किसके थे, बिहार के। देखिए 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से पृथक होकर एक नया राज्य बना जिसको बिहार कहते थे। फिर 1936 में उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था, उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। फिर 1936 में बिहार से कौन अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। फिर उसके बाद एक और विभाजन होता है बिहार का, 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक होकर एक नया राज्य बनता है, उस राज्य का नाम रहता है झारखंड। क्या नाम रहता है, झारखंड।
मध्य प्रदेश से भी एक अलग राज्य बना था, उस समय क्या बना था? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से भी एक अलग राज्य बना था, उसका नाम क्या था? उत्तराखंड। लेकिन 15 नवंबर देखिए बंगाल की कितनी बार विभाजन हो गया? 3 बार हो गया। पहला बंगाल विभाजन रद्द किया गया और एक पृथक राज्य बनाया गया 1912 में, कौन? बिहार। फिर बिहार से 1936 में कौन अलग हुआ? उड़ीसा। बिहार से 1936 में कौन अलग हुआ? उड़ीसा। फिर सन 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन अलग हुआ? कौन अलग हुआ? झारखंड। बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड। बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड। और फिर पृथक पूछेगा कि पृथक बिहार का अस्तित्व कब सामने आया? तो 1936 कब आया था? 1936 में। फिर बोलेगा कि फिर एक बार बंगाल का बिहार का विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर सन 2000 को। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि बिहार का गठन कब किया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन देगा 1912 1936 1935। अगर 1912 दिया तो 19 हो जाएंगे। क्या बोला? बिहार का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 1912 में। फिर पूछेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग किया गया? बिहार से उड़ीसा कब अलग किया गया? 1936 में। फिर पूछेगा क्या कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। इतनी कहानी थी हमारे बिहार की। अब देखिए मैंने आपको बता दिया बिहार का कितने बार विभाजन हुआ। अब मैं आप बिहार की अवस्थिति आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बिहार, अब जैसा कि हम सभी ग्लोब जानते हैं, ठीक, ऐसे ऐसी जो रेखाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। ऐसे ऐसी जितनी भी रेखाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो हम लोगों को दिशाओं का तो ज्ञान है ही है, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा। तो होता क्या है कि उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर पूर्व में हम लोगों का क्या अवस्थित है? बिहार अवस्थित है। हम लोगों का भारत भी ग्लोब में उत्तर पूर्व में अवस्थित है और बिहार भी कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर पूर्व में। पूछे गया कि ग्लोब में भारत कहाँ अवस्थित है? पूछेगा विश्व के मानचित्र में बिहार की अवस्थिति को दर्शाइए। आंसर राइटिंग करते हैं ना, ज्योग्राफी जिसका ऑप्शन होगा। पूछेगा उत्तर पश्चिम बिहार को, सॉरी उत्तर पूर्व बिहार की अवस्थिति को दर्शाइए कि वो कहां से लेके कहां तक अवस्थित है और उसकी भौगोलिक संरचना का वर्णन कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में बनाता है, ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। तो कहां पे अवस्थित है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में जहां पे हम लोगों का भारत अवस्थित है वहीं पे क्या है? बिहार अवस्थित है। अब देखिए मैंने इतनी चीजें आपको बताई कि भारत का नाम है, बिहार का विभाजन कब कब हुआ, बिहार कहां पे अवस्थित है। अब जान लेते हैं कि बिहार की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। देखिए पूरब से लेके पश्चिम तक की जो लंबाई होती है, पूरब से लेके पश्चिम तक की जो चौड़ाई है ना, पूरब से लेके पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 483 किलोमीटर। पूरब से लेके पश्चिम तक, याद रखिएगा, पूरब से लेके पश्चिम तक की जो चौड़ाई है ना बिहार की, वो कितनी है? 483 किलोमीटर। अब जैसे मान लीजिए ये जगह है कोई, ठीक, ये एक जगह है, तो इधर से इधर तक की चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर। अब पूछेगा कि लंबाई कितनी है भैया? तो लंबाई कितनी है? 3-4-5। ये लंबाई कितनी है? 3-4-5, 345 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। जब बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसी समय हुई थी ना 483 में, तो उससे तो याद हो जाएगा आपको। बिहार के बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है जो बिहार को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है क्या? गंगा। याद रखिएगा कि बिहार के बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है जो बिहार को दो भागों में बांट देती है, उसे क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। बिहार के बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है, उसको क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं, जो बिहार को दो भागों में बांट देती है। उत्तर वाला हिस्सा क्या कहते हैं? उत्तरी बिहार। दक्षिण वाला हिस्सा कहते हैं दक्षिणी बिहार। ठीक, अब देखिए इतनी बातें मैंने आपको बताया। पहले बताया कि बिहार का गठन कब हुआ? 1912 में हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में हुआ। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को हुआ। बिहार की अवस्थिति क्या है ग्लोब में? उत्तर पूरब में है। बिहार की पूरब से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? बिहार की पूरब से लेके पश्चिम तक की जो चौड़ाई है, पूरब से लेके पश्चिम तक की जो चौड़ाई है 483 किलोमीटर, और बिहार की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। इतनी चीजें मैंने आपको बताई। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन चीजें हैं। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? बिहार में प्रमंडल कितने हैं? तो प्रमंडल को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे एक सारण है,
अब मैपिंग के एक बिहार का एक मैप भी खरीद लीजिएगा, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार का। ठीक, तो ये सारण है, ये तिरहुत है, ये दरभंगा है, ये कोसी है, ये क्या है, ये क्या नाम है, भागलपुर है, ये पूर्णिया है, ये गया है और ये पटना है। ये सब हमारे क्या है, प्रमंडल है। ये सब हमारे क्या है, प्रमंडल है। क्या है हमारे, प्रमंडल। यहाँ पे क्या है, सारण है या तिरहुत है या दरभंगा है, यहाँ पे कोसी है, यहाँ पे पूर्णिया है, यहाँ पे क्या है, भागलपुर है, यहाँ पे गया है। ये सब हमारे क्या है, प्रमंडल है। क्या है, प्रमंडल है। और ये हमारा पटना भी क्या है, एक प्रमंडल है। ठीक, अब बिहार में कुछ कितने प्रमंडल है, क्वेश्चन ये बनता है। तो बिहार में कुछ 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बार बार कह रहा हूँ, याद करते हुए चलिएगा। इसी वीडियो में याद करेंगे, इसी वीडियो में याद करेंगे, दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं रहेगी, इसी वीडियो में याद करेंगे। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है और 38 जिले हैं। 38वां जिला जो हमारा जो बना था वो कौन सा बना था, अरवल बना था। कौन सा बना था, अरवल बना था। अरवल 38वां जिला हमारा बना था बिहार का। कौन बना था, अरवल 38वां जिला बना था। टोटल आप याद रखिएगा, बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं, 38 जिले। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला है कौन, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण यही पे है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या है, पश्चिमी चंपारण। ठीक, और बिहार में सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे छोटा जिला शिवहर है। पूछे ना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, तो क्या है, पटना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो शेखपुरा है। मैं जनसंख्या का लेक्चर लेके आऊंगा, हालांकि अपडेटेड जनसंख्या के लेक्चर लेके आऊंगा, 2011 वाले तो पढ़ने नहीं है। अब आ चुके हैं, 2011 का सेंसर हो रहा है, तो उसकी जो जनसंख्या की रिपोर्ट आएगी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं, अनुमंडल 101 है, जिसे आप एसडीएम के पोस्ट निकालते हैं। आप मान लीजिए बीपीएससी क्वालिफाई करके आप एसडीएम बनते हैं, आपको किसी न किसी अनुमंडल में पोस्टिंग की जाएगी ट्रेनिंग के बाद। ठीक, कुल मिला के 534 प्रखंड है, प्रखंड 534 प्रखंड है। क्या है, 534 प्रखंड है। और कुछ कॉमन चीजें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। आप देखिए बिहार की अवस्थिति मैं डिग्री वाइज भी बता देता हूँ। बिहार ऐसी, ये देखिए अक्षांश यहाँ से लेके, ठीक, अक्षांश ऐसे ऐसे जो रेखा होती है मैंने आपको बता ही दिया था कि अक्षांश। अब देखिए डिग्री बता देता हूँ कि पूरब में ये देख रहे हैं 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकंड से लेके क्या है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। अब सीधा सीधा याद रखिएगा कि 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री के बीच हमारा क्या है, अक्षांश है। ठीक, पूर्वी अक्षांश हमारा अवस्थित है 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री, 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री। अब इतना मिनट उन्हें नहीं याद हो तो एक छोटा सा याद कर ले, ऐसे तो है कितना, 83 डिग्री 9 मिनट और 50 सेकंड, और कहां से कहां तक है, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। लेकिन इसको मत याद रखिए, 83 से लेके 88 याद रख लीजिए। ठीक, और फिर उत्तर से पश्चिम तक में कितनी डिग्री से डिग्री के बीच अवस्थित है। ठीक, तो कितने से डिग्री से कितने डिग्री के बीच अवस्थित है, 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक, 24 डिग्री 25 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक अवस्थित है। थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, पूरा नहीं आया तो 83 से लेके 88 और 24 से लेके 27 डिग्री। ठीक, इतना याद कर लीजिए आप। ठीक, कुछ हम लोगों को कॉमन चीजें हैं, तो बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है। राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया है। राजकीय मछली क्या है, मांगूर है। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। और राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। फिर से रिवाइज करते हैं, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, 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 गोरैया क्या है, गोरैया। राजकीय मछली मांगूर, राजकीय पुष्प गेंदा, और राजकीय पशु बैल, और राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। क्या है, राजकीय वृक्ष पीपल है। अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। क्वेश्चन हर बार पूछा है, जब से नीतीश की सरकार आई है तब से इसको मनाना शुरू किया गया है। और 22 मार्च को कुछ और भी होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, पहले क्या होता है, जल दिवस होता है। ठीक, 22 मार्च को क्या होता है, जल दिवस भी होता है और बिहार दिवस भी होता है। जल दिवस, जल दिवस, विश्व जल दिवस होता है, और इस दिन क्या होता है, बिहार दिवस भी होता है। 22 मार्च को जल दिवस और प्लस बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है, नीतीश सरकार के द्वारा मनाया जाती है। और इस बार 7वीं बार मुख्यमंत्री चुने गए हमारे, क्या, 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए कौन, हमारे नीतीश कुमार। ठीक, ये अपडेटेड वीडियो है, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसका नाम ले लिया। और इनका नाम लेने के बाद मैंने उनका क्रम भी बता दिया, क्योंकि कई लोग सोचेंगे ये क्या है, ये पुराना वीडियो है। ठीक,
इसलिए पुराना वीडियो नहीं है, अपडेटेड वीडियो है। बिहार में दो राजभाषा है। अब जैसे मान लीजिए अलग अलग राज्यों को अलग अलग राज्य भाषाएं, वैसे तो हम लोगों के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन राज्यों को भी छूट दी गई थी कि वो अपने कोई राजकीय भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिहार की पहली राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, दूसरी क्या है, उर्दू है। ठीक, इतनी चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं बिहार का आपको क्षेत्रफल भी थोड़ा बता देता हूँ। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है ना, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बड़े राज्यों में 13वें नंबर पे है और भारत के कुल क्षेत्रफल 2.86% क्षेत्रफल इसको मिला हुआ। अब जैसे मान लीजिए ये पूरा हम लोग का प्यारा भारत है, इसमें बिहार का क्षेत्र ये 100% है। ठीक, 100%, तो 100% में से बिहार को कितना क्षेत्रफल मिला है, 2.86%। और जनसंख्या कितनी रहती है, बाप रे बाप, 10 करोड़ के भी ऊपर जनसंख्या रहती है। ठीक, 10 करोड़ के भी ऊपर जनसंख्या रहती है, मतलब की जगह कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक, इतनी बातें मैं आपको बिहार के बारे में बताना चाहता था। अब बिहार के कुछ पड़ोसी देश भी हैं और कुछ पड़ोसी राज्य भी हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बिहार में पूछेगा कि पश्चिमी पड़ोसी उत्तरी पड़ोसी देश कौन सा है, तो कौन सा है, नेपाल है। पूछेगा कि बिहार किन किन देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो केवल क्या होगा, केवल क्या होगा, नेपाल होगा। पूछेगा कि बिहार का पश्चिमी हिस्सा किस राज्य से टच करता है, या तो किस राज्य से सीमा साझा करता है। बिहार का पश्चिमी हिस्सा किस राज्य से सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूछेगा भारत का दक्षिण, बिहार का दक्षिणतम हिस्सा किससे सीमा साझा करता है, तो झारखंड से। और पूरब में किससे करता है, पश्चिम बंगाल से। अब पूछ लेगा सीधा सीधा कि बिहार जो है कितने राज्य एवं कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा साझा करता है, तो आप क्या लिखेंगे कि बिहार पश्चिम में किससे करता है, उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में किससे करता है, झारखंड से, पूरब में किससे करता है, पश्चिम बंगाल से, और उत्तर में किससे करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा, नेपाल से। बस इतने ही लोगों से सीमा साझा करता है बिहार अपना। ठीक, तो इतनी बातें थी मैंने आपको बिहार के बारे में बताना चाहता था। अब ये वीडियो आप सुनेंगे तब समझ में आएगा, आप सोचेंगे कि आप इसको देख के स्क्रीनशॉट लेके समझ लें तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि आपको एक घंटे का वीडियो बना के दूं और एक घंटे तक आप उसको देखते रहें, पढ़ते रहें, समय कम है, कोर्स ज्यादा है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो ला के मैं इसको कम्प्लीट कराता रहूंगा। ठीक, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, तब जाके क्या नाम है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और बिहार स्पेशल आज से चलेगा। धन्यवाद।